Good morning, everyone. I hope I'm properly audible and visible to all of you. और ये जो पीछे PDF चल रही है, ये आपको visible होगी, I hope. तो आज हम पढ़ने वाले हैं DJs के लिए Commercial Courts Act 2015. तो एक बार जरा confirm कर दीजिए अगर आवाज properly आ रही है और PDF properly visible है. और अगर आपको blur दिख रही है PDF, आप पढ़ नहीं पा रहे. आप अपने में जाइए पी पे, आप इस वीडियो को देखेंगे तो इजीली आप इस पीडीएफ को पढ़ पाएंगे. ठीक है, तो चलिए, पिछले लेक्चर में अपन ने एलएलपी कंप्लीट किया था, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट. आज अपन डील करने वाले हैं कमर्शियल कोर्ट, और इसके बाद संडे को अपन डील करने वाले हैं विद द आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन. ठीक है, तो ये तीनों जो अलग लॉज हैं, एडिशनल लॉज हैं जो डीजेएस में आपके आ रहे हैं, उसको हम लोग यहाँ कवर कर रहे हैं. अभी मेरे ख्याल से रेखा प्रॉपर आवाज आ रही होगी. मैं थोड़ा माइक एडजस्ट कर रहा था, इसलिए हो सकता है थोड़ी सी आवाज ऊपर नीचे हो रही हो, बट नाउ आई गेस इट इज प्रॉपरली ऑडिबल. ठीक है ना भाई, अभी प्रॉपर आवाज आ रही है. चलिए, तो देखिए, ये जो कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट है, पहले ना इसका ओवरव्यू समझ लेते हैं. जैसे अपन ने एलएलपी के लिए देखा था कि एलएलपी का पर्पस क्या है, कि कंपनी के जो बेनिफिट्स होते हैं एक बिजनेस एंटिटी के और पार्टनरशिप के जो लूपहोल्स हैं, दोनों को मिक्स करके बनाया गया था आपका लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट. ऐसे ही कमर्शियल कोर्ट एक्ट का भी अपना पर्पस है. देखिए भाई, होता क्या है, कमर्शियल कोर्ट एक्ट से आपके समझ में आ रहा होगा, कमर्शियल मैटर्स को डील करने के लिए है. जब भी कोई एक स्पेशल लॉ बनाया जाता है, कुछ स्पेसिफिक पर्पसेस उसके होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा पर्पस मतलब कुछ पर्टिकुलर मैटर्स को देखने के लिए. जैसे भाई देखिए, सिविल कोर्ट है, सिविल कोर्ट के पास तो हर तरीके के सिविल मैटर का ज्यूरिसडिक्शन है. सीपीसी का सेक्शन 9 बिल्कुल क्लियरली कहता है हर तरीके के सिविल सूट को एंटरटेन कर सकते हैं सिविल कोर्ट. लेकिन क्या होता है कि सारा बर्डन सिविल कोर्ट के ऊपर आ जाता है, हर तरीके के मैटर देखना है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो क्या होता है मैटर्स पेंडिंग बहुत होते हैं. और कुछ ऐसे मैटर्स हैं जिनको एक्सक्लूसिवली डील किया जाना जरूरी है, जैसे इसलिए आप देखते हैं फैमिली कोर्ट सेपरेट बना दिए गए. इसी तरीके से कमर्शियल कोर्ट्स भी बनाए गए हैं. ठीक, होते उसमें लोग वही हैं जो सिविल कोर्ट में बैठते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, या फिर उनके नीचे लेवल के लोग एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हो गए. ठीक है, इसके अलावा या फिर आपके सिविल जज क्लास 1, क्लास 2, या सिविल जज जूनियर डिवीजन, सीनियर डिवीजन, ये सब जो होते हैं, लोग यही रहेंगे. कोर्ट्स इनके लिए अलग कॉन्स्टिट्यूट कर दिए जाएंगे, ऑफिसर्स यही रहेंगे. और जब अलग कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट कर दिया जाता है, तो वो स्पेसिफिक मैटर्स, वो मामले जिनके लिए कोर्ट बने हैं, वो अब नॉर्मल सिविल कोर्ट डील नहीं करेगा, उसकी जगह पे ये कोर्ट से डील करेंगे. पर्पस क्या है, ताकि स्पीडी रेमेडी मिल जाए, जल्दी समाधान हो जाए ऐसे मैटर्स का, जल्दी ऐसे मैटर्स रिजॉल्व हो पाए, दैट इज द बेसिक पर्पस. अब देखिए, कमर्शियल कोर्ट किन चीज को डील करेंगे, नाम से समझ में आ रहा है, कमर्शियल मैटर्स को, बिजनेस मैटर्स को. अब देखिए भाई, ये बात बहुत जरूरी है कि जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, उनके पास बहुत ज्यादा समय नहीं होता सीपीसी के हिसाब से नॉर्मल सिविल कोर्ट में जाके प्रोसीडिंग्स करने का. ठीक है, उनको ये रहता है कि भाई स्पीडी रेमेडी मिल रही है तो ठीक है, कोर्ट जाना, नहीं तो ठीक है जो चल रहा है वैसा ठीक है. सिविल कोर्ट जनरली वो जाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि टाइम वेस्ट होता है. तो अब क्योंकि हम जिस ग्लोबलाइजेशन के दौर में हैं, और जहां बिजनेस को बढ़ावा दिया जाना है, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, भारत में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, खुद नहीं भी बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस एंटिटीज में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनका भी ये है, पैसा इन्वेस्ट क्यों करता है कोई जल्दी से ज्यादा पैसा बनाने के लिए. तो भाई इस तरीके के अगर कमर्शियल डिस्प्यूट्स जो आते हैं, अगर उनके कारण वो कमर्शियल डिस्प्यूट्स अगर लंबे चलते हैं, पेंडिंग होते हैं, ज्यादा समय तक उनके डिसीजन नहीं होते, तो इससे बिजनेस हैम्पर होता है. इसीलिए एक कोशिश है, एक प्रयास है इन सिविल कोर्ट इस कमर्शियल कोर्ट एक्ट के माध्यम से कुछ ऐसे और कोर्ट्स, स्पेशल कोर्ट्स बना दिए गए हैं, स्पेशल एंटिटीज बना दी गई हैं, जो इस तरीके के मामलों को देखेंगे. देखिए, कमर्शियल मैटर्स को डील करने के लिए अलग अलग मैकेनिज्म प्रिस्क्राइब किए गए हैं. जैसे आर्बिट्रेशन इज वन ऑफ देम. आर्बिट्रेशन भी वही है कि भाई आप अपने बिजनेस अग्रीमेंट, आप जो भी अग्रीमेंट करते हैं उसमें आप ये चीज डाल देते हैं कि हमारा अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो हम आर्बिट्रेशन में जाएंगे, है ना. एक न्यूट्रल पर्सन आप खुद पार्टीज अपनी सहमति से बना लेते हैं, एक न्यूट्रल पर्सन, कि इसके पास हम लोग
जाएंगे अपने डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए, क्योंकि वही चक्कर, कोर्ट कचहरी का चक्कर लंबा चक्कर, और जो अपना सीपीसी अभी एग्जिस्टिंग है उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे प्रोसीडिंग्स डिले हो जाती हैं, तो उससे बचने के लिए लोग क्या करते हैं, आर्बिट्रेशन में जाते हैं। लेकिन अब आर्बिट्रेशन में हर बार पूरी समस्या का समाधान हो जाए ऐसा संभव नहीं होता, वहां से भी कई बार अवार्ड्स को चैलेंज करने के लिए आप कोर्ट जाते हैं। और अगर मान लीजिए पार्टीज का ये है इंटेंशन कि भाई हमें आर्बिट्रेशन में नहीं जाना है, हमें तो अपना मामला कोर्ट कचहरी में ही सुलझाना है, लेकिन जल्दी सुलझाना है, हमें उस जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोसीजर है उसके थ्रू जाएंगे तो लंबा समय लगेगा, लेकिन सुलझाना हमें अपना मामला कोर्ट में ही जाके है, तो उसके लिए ये स्पेसिफिक कोर्ट्स बनाए गए हैं और एक पूरा प्रोसीजर बनाया गया है। इसीलिए ये जो कमर्शियल कोर्ट एक्ट है 2015 का, इसके बेसिक दो पर्पजेज हैं। एक तो ये कि कमर्शियल मैटर्स को स्पीडी डिस्पोजल देने के लिए पहला स्पेशल कोर्ट्स बनाए जाएं। भाई आपको अगर स्पीडी डिस्पोजल करना है तो एक सेपरेट कोर्ट होने चाहिए कि उनमें सिर्फ कमर्शियल मामले ही जा रहे हैं और कोई मामले वो नहीं सुन रहे, पहली चीज। दूसरा, जो एग्जिस्टिंग प्रोसीजर है सीपीसी का, भाई सीपीसी तो प्रोसीजर तो स्पेशल कोर्ट में भी जनरली वही फॉलो हो रहा है जो सीपीसी में, लेकिन सीपीसी में कुछ अमेंडमेंट्स कर दिए गए, सिर्फ कोर्ट बनाने से भी काम नहीं चलेगा। आपने एक्सक्लूसिव कोर्ट बना दिए कमर्शियल मैटर सुनने के लिए, लेकिन प्रावधान सारे के सारे सीपीसी वाले ही एप्लीकेबल हो रहे हैं, तो यहां भी डिले होने की संभावना है। इसीलिए ये जो एक्ट बनाया गया है इसका, जैसे मैंने कहा, बेसिक दो पर्पजेज हैं। पहला पर्पज अलग से कोर्ट बनाना और उन कोर्ट के लिए सीपीसी को अमेंड करना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्पज है इस कमर्शियल कोर्ट एक्ट का। सीपीसी में ऐसी जितने भी प्रोसेसेस हैं या जितनी भी ऐसी चीजें हैं जिनसे थोड़ा प्रोसेस डिले होता है, उनको थोड़ा कट शॉर्ट करने की कोशिश की गई है। इसीलिए आप इस एक्ट के शेड्यूल में देखेंगे तो शेड्यूल में पूरी डिटेलिंग दी हुई है कि कौन सा प्रोविजन सीपीसी का क्या कहता है और कमर्शियल कोर्ट में वो प्रोविजन किस तरीके से एप्लीकेबल होगा, विद सर्टेन मॉडिफिकेशन वो एप्लीकेबल होता है। सीपीसी के कई ऐसे प्रोविजन हैं जो यहां एज इट इज एप्लीकेबल नहीं होंगे, उनमें कुछ मॉडिफिकेशंस हैं, उन मॉडिफिकेशंस की पूरी लिस्ट इस स्टैट्यूट के एंड में शेड्यूल के माध्यम से दी हुई है। तो जैसा कि आप समझ रहे हैं कि कमर्शियल कोर्ट एक्ट का बेसिक दो पर्पज है, अलग एंटिटीज बनाना, अलग मैकेनिज्म बनाना, एक तो कोर्ट्स बनाना पहले स्पेशल कोर्ट जो कमर्शियल मैटर को ही सुने, और उन कोर्ट्स के लिए सीपीसी को मॉडिफाई करना। मॉडिफाई करने का बेसिक पर्पज क्या है, जल्दी रेजोल्यूशन हो डिस्प्यूट्स का, दैट इज दी बेसिक पर्पज, इफेक्टिव एंड स्पीडी रेजोल्यूशन। उस पर्पज के लिए सीपीसी के कुछ प्रावधानों को अमेंड या मॉडिफाई करके यहां अप्लाई किया जाएगा। ये दो बेसिक बातें आपका जो कमर्शियल कोर्ट एक्ट है ये बताता है 2015 का। अब देखिए ये जो 2015 का एक्ट है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स 2018 में किए गए, कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस यहां 2018 में किए गए, मैं आपको एक बार ब्रीफ बता देता हूं, उसका फिर अपन प्रोविजन वाइज चीजें चालू करते हैं। देखिए इस एक्ट का ना, जैसे अगर आपने मान लीजिए आपने मध्य प्रदेश के लिए एमपी एलआरसी अगर आपने पढ़ा है, मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड, तो आप जानते होंगे कि मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड में ना बहुत सारी अथॉरिटीज हैं, अलग अलग कई तरीके की अथॉरिटीज वहां डील करती हैं, जिसको समझना ही सबसे बड़ा खेल है। वो आप समझ गए तो बाकी एक्ट आपके लिए ईजी हो जाता है। और इसीलिए जो एमपीसीजे का क्रैश कोर्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें आप एमपी लैंड रेवेन्यू कोड का एक वीडियो है मेरा, पूरा कंप्लीट वन वीडियो जिसमें एमपी लैंड रेवेन्यू कोड पूरा है, उसमें एक चार्ट आपको मिलेगा उस अथॉरिटीज के रिगार्डिंग, सो दैट यू कैन गेट अ क्लियर कट आइडेंटिफिकेशन कि भैया किस अथॉरिटी का क्या काम है। वैसी ही चीज हम इस एक्ट के लिए भी करेंगे, क्योंकि यहां सबसे बड़ा खेल उन कोर्ट्स को समझना ही है, तो वो हम यहां सिंप्लीफाई करेंगे डेफिनेटली। अब देखिए ये जो एक्ट बनाया गया है इसको अपन स्टार्ट करें, उसके पहले मैं आपको ये बता रहा था कि 2015 में जब ये एक्ट इनएक्ट हुआ था तो कुछ प्रोविजन थे, 2018 में इसमें कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस किए गए। देखिए 2015 तक ये था कि जो कमर्शियल मैटर्स हैं, जो आपके कमर्शियल मैटर्स हैं वो जनरली हाई कोर्ट्स के पास जा रहे थे, हाई कोर्ट ही उनको डील, मतलब अलग से एक सेपरेट डिवीजन बनाया गया हाई कोर्ट का जो कमर्शियल मैटर्स देखेगा, लेकिन ले दे के बात वही हो रही थी कि भाई हाई कोर्ट के पास वैसे ही लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी चीजें बनाई जाएं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चीजें बनाना इसका मतलब ये होगा कि आप डिस्प्यूट लेके सीधे डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या उनसे नीचे लेवल के कोर्ट्स के पास भी जा सकते हैं, सिर्फ हाई कोर्ट पे ओवरबर्डनिंग नहीं होगी क्योंकि अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे। देखिए जजेस सब वही रहेंगे,
डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, सिविल जज क्लास वन क्लास टू, इन्हीं लोगों को स्पेशल कोर्ट दे दिए जाएंगे प्रिसाइड ओवर करने के लिए। ये उन कोर्ट्स में जब बैठेंगे तो सिर्फ कमर्शियल मामले ही सुनेंगे, तो ऑब्वियसली बर्डन रिड्यूस हो जाएगा। ये जो चेंजेस हैं ये 2018 से करे गए। और एक बात जो बहुत सिंपली आप समझ सकते हैं वो ये कि ये जो कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट है ये भाई कमर्शियल मामले देखेगा। अब एक सवाल यहां ये आता है कि कमर्शियल मामले कोई भी कमर्शियल मामला देख सकता है क्या? जैसे मान लीजिए आपने एलेक फॉर जुडिशरी में एडमिशन लिया फाउंडेशन कोर्स करने के लिए, और आपके और मेरे बीच या इंस्टीट्यूट के बीच एक डिस्प्यूट अराइज होता है फीस को लेके कि आपने पे करी है नहीं करी है, उससे रिगार्डिंग जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि आप एक अमाउंट ऑफ फीस पे करेंगे और हम आपको फाउंडेशन कोर्स में पढ़ाएंगे, उससे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो क्या हम कमर्शियल कोर्ट्स की मदद ले सकते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या हाई कोर्ट लेवल पे? द क्वेश्चन विल बी आंसर्ड इन अ मैनर कि आपका जो डिस्प्यूट है उसकी वैल्यू क्या है, कितने रुपए का डिस्प्यूट है आपका। हर छोटा से छोटा 10, 5, 20, 100, 50, 2000, 20,000 रुपए का मैटर कमर्शियल कोर्ट देखने नहीं बैठे हैं। एक स्पेसिफाइड लिमिट है और वो जो मिनिमम लिमिटेड दैट इज 3 लाख रुपीज, कम से कम 3 लाख रुपए का मामला होना चाहिए इन्वॉल्व। अब ये जो वैल्यू है ना डिस्प्यूट की, इसको कहते हैं स्पेसिफाइड वैल्यू एक्ट के तहत। ये निकाली कैसे जाती है? बहुत सिंपल है, सब्जेक्ट मैटर की जो वैल्यू है उससे रिलेटेड अगर कुछ पैसा है, जैसे मान लीजिए रिकवरी ऑफ मनी का सूट है, भाई मेरे को आपसे मान लीजिए 5 लाख रुपए लेना है, आपने मुझसे उधार लिए थे मुझे वापस लेना है। अब ऑब्वियसली मैंने आपको उधार दिए 5 लाख रुपए तो कुछ इंटरेस्ट भी लूंगा, तो वो जो 5 लाख है प्लस जो इंटरेस्ट इन्वॉल्व है टोटल मिला के जितनी वैल्यू आ रही है, मान लीजिए 5.5 लाख रुपए आ रहा है, तो हमारे डिस्प्यूट की वैल्यू स्पेसिफाइड वैल्यू क्या हो गई? 5.5 लाख रुपए हो गई। अब हम देखेंगे कि 5.5 लाख रुपए का मैटर कमर्शियल कोर्ट एंटरटेन करता है क्या? द आंसर इज यस, क्योंकि 3 लाख से ऊपर के करते हैं। हम ये देखेंगे कि हमें किस कोर्ट के पास जाना है। पिक्यूनरी लिमिट सबकी होगी जैसे सीपीसी में होती है, यहां भी कोर्ट्स की पिक्यूनरी लिमिट होगी, और आप अपना मैटर लेके उस कमर्शियल कोर्ट के पास चले जाइए। तो ये संभावना है कि जब आप ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट के पास जाते वहां जो समय ज्यादा लगता वो आपका कट शॉर्ट हो जाएगा, प्रोसेस थोड़ा सा सिंप्लीफाइड और कट शॉर्ट हो जाएगा इधर जब आप कमर्शियल कोर्ट के पास जाएंगे। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि 3 लाख रुपए या उससे ऊपर के मामले ही लिए जाएंगे कमर्शियल कोर्ट्स द्वारा। कमर्शियल मामले, अब कमर्शियल मामले क्या होंगे, कौन से डिस्प्यूट्स को कमर्शियल डिस्प्यूट्स माना जाएगा, इसको भी इस एक्ट ने बहुत स्पेसिफाइड तरीके से बताया है। वैल्यू के बारे में भी बताया है कैसे करना है, कोर्ट्स का कॉन्स्टिट्यूशन भी बताया है पूरा कैसे होगा, और ये भी बताया है साथ में कि कौन से मैटर हैं जो कमर्शियल मैटर माने जाएंगे और वैल्यू आपको कैसे कैलकुलेट करनी है। तो देखिए अब आ जाते हैं अपन बेरेट की तरफ। अगर आपके पास बेरेट है वेल एंड गुड, आप लेके बैठिए, नहीं है तो इस पीडीएफ को फॉलो करते जाइए। जैसे अपन ने एलएलपी किया है, बाकी आर्ट्स करे हैं, हाईलाइटेड है इंपॉर्टेंट पोर्शन जो प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट पूरा समझेंगे लेकिन ज्यादा जिम्मेदारी के साथ हम वो चीजें पढ़ेंगे जो समझने में थोड़ी इंपॉर्टेंट है और प्री में क्वेश्चन बनते हैं, उनको मैंने हाईलाइट अलग से कर रखा है जैसा पीडीएफ में रहता है। तो सेशन के बाद आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे एलेक फॉर जुडिशरी की अवेलेबल हो जाएगी। अब देखिए इस एक्ट का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसके थ्रू मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूं, फिर अपन एक एक करके प्रोविजन पे आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं किसी भी स्टैट्यूट में पहला चैप्टर प्रिलिमिनरी होता है एनफोर्समेंट के बारे में, और डेफिनेशंस के बारे में पहला चैप्टर है। इसका दूसरा चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्ट्स की बात करता है। अलग अलग जो इसमें अथॉरिटीज है ना, अलग अलग जो कोर्ट्स है उनका क्या कॉन्स्टिट्यूशन होगा, वो पूरा का पूरा चैप्टर 2 में है। इसको हम थोड़ा आसान तरीके से समझेंगे, जैसे हमने एमपी लैंड रेवेन्यू कोर्ट की अथॉरिटीज को समझा था उसी तरीके से कुछ हम इसको भी समझ लेंगे। तो प्रोविजन तो अपन देखेंगे लेकिन उसके पहले थोड़ा सा इजी वे में उन अथॉरिटीज को समझ लेंगे। इसके बाद देखिए चैप्टर 3 बात करेगा स्पेसिफाइड वैल्यू की, जो मैंने आपको कहा ना डिस्प्यूट की वैल्यू के हिसाब से, क्योंकि भैया पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन होगा, पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है पैसे वाला, तो कितने का मैटर है आपका, आपका जो डिस्प्यूट है कमर्शियल डिस्प्यूट उसकी वैल्यू क्या है, कितना पैसा उसमें इन्वॉल्व है, इस पे डिपेंड करेगा कि आपको कौन से कोर्ट के पास जाना है। तो वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है आपको अपने डिस्प्यूट के, उसके रिगार्डिंग जो सारी बातें हैं वो इस स्पेसिफाइड वैल्यू वाले चैप्टर में मिलेगी, चैप्टर 3, जिसमें सिर्फ एक सेक्शन है सेक्शन 12। इसके बाद इसमें चैप्टर 3A है प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन एंड सेटलमेंट। ये चैप्टर किस बारे में बात करता है उसको समझ लीजिए। देखिए मैंने आपको कहा कि जो स्पीडी डिस्पोजल करना है हमें कमर्शियल मैटर का, एक ऑप्शन आपके पास आर्बिट्रेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, कमर्शियल कोर्ट एक और ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है कि भैया आर्बिट्रेशन से हम तो सहमत नहीं, हमको तो कोर्ट का ही मामला चाहिए, हमें तो कोर्ट से ही चीजें चाहिए। तो
तो आपके पास एक और ये मैकेनिज्म आ गया कमर्शियल कोर्ट का। लेकिन यहां ये जो चैप्टर आप देख रहे हैं चैप्टर 3A, यहां एक प्रीरिक्विजिट बताई गई है कि अगर आपको कमर्शियल कोर्ट में अपना मामला लाना है तो मैंडेटरीली पहले आपने ये ट्राई किया हो, पहले आपने मीडिएशन ट्राई किया हो, उसके बाद आप इधर आइए। वहां से अगर आप सहमत नहीं है मीडिएशन के लिए आप गए, उस उधर से आप सहमत नहीं है तब आप इधर आइए। देखिए पूरा पर्पस क्या है कि जल्दी रिजॉल्व हो। सीपीसी में भी जो जो पूरा लेक्चर आपने देखा है इसी प्लेलिस्ट में सीपीसी का, वहां भी हर जगह हमने ये डिस्कस किया था कि कोर्ट्स का पर्पस है कि कम मामले उनके पास आए, जितना संभव हो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए। वही प्रयास इधर पे भी है कि पहले आपको मीडिएशन में जाना है लेकिन आप सहमत नहीं है तो फिर आप इधर आइए। वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट चैप्टर 3A डाल देता है, एक सेक्शन है सेक्शन 12A। इसके बाद चैप्टर 4 बात करता है अपील की। अब देखिए मल्टीपल यहां पे अथॉरिटी कोर्ट्स बनाए गए हैं, किसकी अपील किसके पास जाएगी वो इधर है। तो ये मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्ट्स के साथ ही बता दूंगा अपील किसकी कहां जाएगी, क्योंकि हम अथॉरिटीज देखेंगे ही कौन कौन कोर्ट्स हैं, क्या काम उनका है, उसकी अपील किसके पास जाएगी। तो सेक्शन 3 और 13 अपन साथ पढ़ेंगे, 3 और 13 दोनों साथ पढ़ेंगे इस एक्ट के। इसके बाद चैप्टर 5 बात करता है ट्रांसफर ऑफ पेंडिंग सूट्स की। इसमें सिंपली ये बताया गया, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, इसमें सिंपली ये बताया गया है कि ऑलरेडी जो मामले पेंडिंग थे सिविल कोर्ट्स में कमर्शियल मामले, उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा कमर्शियल कोर्ट्स के पास अगर उस ज्यूरिसडिक्शन में कमर्शियल कोर्ट स्टैब्लिश हो गए हैं तो। दैट्स व्हाट दिस इज दिस चैप्टर टॉक्स अबाउट। इसके बाद देखिए चैप्टर 6 आएगा अमेंडमेंट टू द प्रोविजन ऑफ द सीपीसी। मैंने आपको बताया कि एक इंपॉर्टेंट पर्पस जो इस एक्ट का है कमर्शियल कोर्ट एक्ट का, एक पर्पस ये भी है कि सीपीसी के प्रोविजंस को हमें अमेंड करना है। देखिए भाई सिर्फ कोर्ट बनाने से तो काम नहीं चलेगा, कोर्ट बनाने के साथ साथ आपको प्रोसेस भी फास्ट करना पड़ेगा। उन कोर्ट्स में अगर आप ऑर्डिनरी सीपीसी का प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो बात नहीं बनेगी, उसके लिए आपको प्रोसेस भी फास्ट करना पड़ेगा। उससे रिलेटेड कुछ प्रावधान है। उसके बाद मिसलेनियस, और मिसलेनियस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल सिंपल चीजें हैं कि जो रूल मेकिंग पावर है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, डिफिकल्टीज रिमूव करने का पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी स्टेट गवर्नमेंट देगी, इसके बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे, तो मिसलेनियस पार्ट है। और इसके बाद आते हैं शेड्यूल्स। शेड्यूल में आपको पूरा एक एक प्रोविजन वाइज इसको आप, मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा शेड्यूल का। उसके बाद जब आप सेशन के बाद पढ़ें तो एक काम कर लें कि सीपीसी का वेरिट रखें साथ में, तो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। सीपीसी का प्रोविजन यहां मेंशन है कि कौन सा प्रोविजन उसमें क्या चेंजेस करे गए हैं, वो यहां मेंशन है, तो आप ओरिजिनल सीपीसी से देखते जाइए इधर पे क्या चेंजेस हैं, तो उसमें से क्वेश्चन आने की संभावनाएं कम होती है, शेड्यूल में से क्वेश्चन की संभावनाएं कम है। जो मेजर पोर्शन है वो आपका ये सेक्शन डील कर रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं। और आपका जो पहले जैसा मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट पूरा पर्पस पूरा वही चीजें यहां दी हुई हैं। इसके बाद चैप्टर 1 है प्रिलिमिनरी। तो देखिए दिस एक्ट में बी कॉल्ड द कमर्शियल कोर्ट एक्ट पूरे इंडिया में एक्सटेंड होता है, और फोर्स में कब आया 23rd day of October 2015, 23 अक्टूबर 2015 इसकी एनफोर्समेंट डेट है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर प्रिलिम्स एग्जाम। इसके बाद डेफिनेशंस पे आते हैं। अब देखिए डेफिनेशंस में मैंने कुछ ही डेफिनेशंस हाईलाइट कर रखी हैं, उसका करंट समझिएगा। यहां पर डिफाइन ये अथॉरिटीज को किया है कि कमर्शियल एपेलेट कोर्ट, अब देखिए पूरी समस्या इस एक्ट में ना इन्हीं चीजों की है, कमर्शियल एपेलेट कोर्ट कौन होंगे, कमर्शियल एपेलेट डिविजन क्या होगा, कमर्शियल कोर्ट क्या होगा, ये सब डेफिनेशन क्लॉज में डिफाइन नहीं है। इनके लिए सेक्शंस हैं, चैप्टर 3 जो है ना पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा कोर्ट का वहां पे, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने इनको हाईलाइट यहां नहीं कर रखा है क्योंकि इन्होंने सिर्फ क्लॉज में बताया है कि कमर्शियल एपेलेट कोर्ट वो होगा जो सेक्शन 3A में डिफाइन है। तो अपन 3A पढ़ेंगे डिटेल में, उसको अपन समझेंगे ये क्या है क्यों बनाए गए वो सारी बातें। यहां पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपकी है कमर्शियल डिस्प्यूट, इसकी डेफिनेशन आपको कहीं और नहीं मिलेगी। कौन से वो डिस्प्यूट्स हैं जिन्हें हम कमर्शियल डिस्प्यूट मानेंगे। अब देखिए आप जनरल प्रूडेंस अगर अपना लगाएंगे तो जितने भी मर्केंटाइल मैटर हैं वो सारे के सारे कमर्शियल डिस्प्यूट माने जाएंगे, लेकिन उसके साथ कुछ एसोसिएटेड चीजें भी हैं। कुल मिला के 21 डिस्प्यूट्स को यहाँ पे बताया गया है कि ये कमर्शियल, एज सच कोई डेफिनेशन नहीं है, इलस्ट्रेटिव मैनर में बताए गए हैं कि ये डिस्प्यूट कमर्शियल माने जाएंगे। ठीक,
21 यहां पे दिए हैं, और एक पॉइंट ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से किसी और डिस्प्यूट को भी कमर्शियल मान सकती है या ऐड कर सकती है। देखिए एक रफली एक नजर इन डिस्प्यूट्स पे अपन मारते हैं, यहां से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कमर्शियल डिस्प्यूट, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कमर्शियल डिस्प्यूट फॉर द पर्पज ऑफ कमर्शियल कोर्ट एक्ट। तो यहां जरा देखिएगा, ऑर्डिनरी ट्रांजेक्शंस ऑफ मर्चेंट्स, बैंकर्स, फाइनेंसर्स एंड ट्रेडर्स सच एज दोज रिलेटिंग टू मर्केंटाइल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग एनफोर्समेंट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ सच। मान लीजिए आपके मेरे बीच में कोई मर्केंटाइल डॉक्यूमेंट बना है, कोई किसी कोई कॉन्ट्रैक्ट फ्रेम हुआ है किसी मर्केंटाइल ट्रांजैक्शन को लेके, उसका एनफोर्समेंट हो, उसकी वैलिडिटी, ऐसा कोई डिस्प्यूट है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज मर्केंटाइल डिस्प्यूट या कमर्शियल डिस्प्यूट। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड, चाहे मर्चेंडाइज का या सर्विसेज का, एक्सपोर्ट इंपोर्ट अगर हो रहा है तो दैट उससे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज कमर्शियल डिस्प्यूट। और देखिए ऑब्वियसली बात है, जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात आएगी तो यहां पे इश्यूज रिलेटेड टू एडमिरालिटी एंड मैरिटाइम लॉ भी आएंगे, क्योंकि भैया इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आप देखते हैं जहाजों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, और जितने भी मैरिटाइम डिस्प्यूट्स हैं कंट्रीज की वाटर जो बाउंड्रीज हैं उनको लेके, इस तरीके के कोई डिस्प्यूट है कमर्शियल नेचर के, तो उन्हें भी कमर्शियल डिस्प्यूट माना जाएगा। इन चीजों का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि नॉर्मली शायद सुनने में ये नहीं लगते हैं कमर्शियल, बट सिंस दे आर कनेक्टेड इनको भी इस कैटेगरी में रखा गया है। इसके बाद अगला जो है ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट इंजन उससे रिलेटेड, क्योंकि भाई आप जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो सारा कर रहे हैं, और जैसा मैंने कहा कि मैरिटाइम लॉ भी उसके लिए इंपॉर्टेंट है, सेम वे में एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स उनकी सेल, लीजिंग, फाइनेंस, ये सब भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। कैरेज ऑफ गुड्स इज ऑल्सो अ कमर्शियल मैटर। इसके बाद कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट्स इंक्लूडिंग टेंडर्स, ये भी इसके अंदर रखे गए हैं कमर्शियल डिस्प्यूट। ठीक, कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो है वो भी यहाँ गवर्न होंगे। इसके बाद इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट एक्सक्लूसिवली इन ट्रेड कॉमर्स। देखिए हर इमूवेबल प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट इधर नहीं आएगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी विच इज कनेक्टेड विद ट्रेड एंड कॉमर्स वो ही यहां पे कंसीडर होगा डिस्प्यूट एज कमर्शियल डिस्प्यूट। फ्रेंचाइजिंग अग्रीमेंट, ऑब्वियसली इट इज अ पार्ट ऑफ कमर्शियल एक्टिविटी, फ्रेंचाइज जो प्रोवाइड करी जाती है उससे रिलेटेड कुछ है, सो इट विल बी अ कमर्शियल। जैसे अभी आपने रिसेंटली देखा होगा इंदौर में एक पॉपुलर ब्रांड था कैफे का, जिसकी फ्रेंचाइजी को लेकर काफी बवाल भी हुआ था, है ना, एक कैफे का, तो वो जो फ्रेंचाइजी से रिलेटेड डिस्प्यूट है दे विल आल्सो बी कंसीडर्ड एज कमर्शियल डिस्प्यूट। डिस्ट्रीब्यूशन एंड लाइसेंसिंग अग्रीमेंट, अगर आप लाइसेंस वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, सिमिलर नेचर का होता है, एजेंसी, फ्रेंचाइजी, लाइसेंसिंग, किसी और को आप ऑथोराइज कर रहे हैं अपना काम करने के लिए, वो सब यहाँ आएंगे। मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी अग्रीमेंट्स, तो भाई ये भी कमर्शियल डिस्प्यूट का पार्ट होगा। जॉइंट वेंचर, साथ मिलके दो अलग अलग बिजनेस एंटिटीज कोई नया कुछ कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो कवर्ड अंडर दिस। बस एक ब्रीफ नजर आप मार लें इन पे तो आपको याद रहेगा कि कौन सा कमर्शियल डिस्प्यूट है कौन सा नहीं। शेयर होल्डर अग्रीमेंट, ऑब्वियसली ये कमर्शियल का पार्ट होगा, है ना। सब्सक्रिप्शन एंड इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट, कि कोई पर्टिकुलर व्यक्ति किसी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, ऑब्वियसली इट इज अ कमर्शियल मैटर, तो ये इसमें माना जाएगा। मर्केंटाइल एजेंसी एंड मर्केंटाइल यूजेज पार्टनरशिप अग्रीमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट अग्रीमेंट, देखिए भाई अगर कोई टेक्नोलॉजी डेवलप आप किसी, जैसे मान लीजिए मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा हूं, अब मुझे तो आता भैया लॉ पढ़ाना, मुझे टेक्नोलॉजी बनाना नहीं आता कि ये वीडियो यूट्यूब पे कैसे स्ट्रीम होगा, या मान लीजिए जो एलेक का अपना प्लेटफॉर्म है सेपरेट, उसके लिए मैं किसी एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ कि भैया आप मेरे को एक पूरा सिस्टम बना के दो जहां मैं लाइव क्लासेस ले पाऊं, जिससे बच्चा चैट के माध्यम से सवाल पूछ पाए मुझसे, जिसमें बच्चे को रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएं, तो टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए अगर मैंने किसी और से अग्रीमेंट किया है तो दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड हेयर। इसके बाद आईपी से रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ऑब्वियसली इट्स अ कमर्शियल मैटर, बिल्कुल आएंगे। उससे रिलेटेड जो डिस्प्यूट है, चाहे वो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन से रिलेटेड हो, डिजाइन, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब इसमें आएगा। इसके बाद अग्रीमेंट फॉर सेल ऑफ गुड्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, भाई गुड्स की सेल और सर्विसेज की सेल ऑब्वियसली आएगी। एक ये और ध्यान रखिएगा विशेष, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ऑयल एंड गैस रिजर्व्स, इससे रिलेटेड कोई कमर्शियल एक्टिविटी है तो वो भी इसमें कंसीडर होगा। इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस इसमें कंसीडर होगा। इसके बाद
एजेंसी के जितने भी जो हमने ऊपर मैटर पढ़े उनसे रिलेटेड एजेंसी अगर दी जा रही है किसी को तो वो भी कमर्शियल डिस्प्यूट की कैटेगरी में माना जाएगा। इसके बाद सच अदर कमर्शियल डिस्प्यूट, जो मैंने कहा था सेंट्रल गवर्नमेंट जो नोटिफाई कर दे, और कोई कमर्शियल डिस्प्यूट जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे उसे भी कमर्शियल डिस्प्यूट माना जाएगा। सिंपल सी चीज है, थोड़ा सा आप एक बार नजर आपने सुन लिया है, एक बार और बेरेट में नजर मार लीजिएगा, दैट विल बी सफिशियंट फॉर यू। अब एक चीज इसमें और दी हुई है विच इज इंपॉर्टेंट, विच आई फील इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे थोड़ा समझने में आपको आसानी होगी, तो एक्सप्लेनेशन में दिया है कमर्शियल डिस्प्यूट शैल नॉट सीज टू बी अ कमर्शियल डिस्प्यूट मेयरली बिकॉज। अब मान लीजिए कोई हमने जितनी कैटेगरी पढ़ी उससे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है अगर, तो वो मेयरली वो कमर्शियल डिस्प्यूट नहीं रहेगा, सीज हो जाएगा, जस्ट बिकॉज कि उसमें कुछ ऐसी चीजें इन्वॉल्व हैं जो यहां दो पॉइंट में दी हुई हैं। तो पहला कहता है इट ऑल्सो इन्वॉल्व एक्शन फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखिए भाई, अगर कोई ऐसा मामला है, कोई ऐसा मैटर है जिसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी होना है, तो जस्ट बिकॉज कि उस मैटर में इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी होना है वो अब एक कमर्शियल मैटर नहीं रहेगा, ऐसा नहीं होगा। अगर वो ऊपर हमने जो कैटेगरीज पढ़ी उनसे रिलेटेड, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो रिकवरी है वो हमने जो मैटर्स पढ़े उनसे कनेक्टेड अगर है, तो जस्ट बिकॉज कि उसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी भी होना है इसलिए अब वो कमर्शियल डिस्प्यूट नहीं रहेगा, ऐसा नहीं होगा। वो अभी भी कमर्शियल डिस्प्यूट रहेगा भले ही वो रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का मामला है, लेकिन कनेक्टेड विद द अबव कैटेगरी, मर्केंटाइल नेचर का अगर है तो वो कमर्शियल डिस्प्यूट माना जाएगा। ऐसे ही इसका बी पॉइंट कहता है वन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी इज द स्टेट। सरकार के साथ कॉन्ट्रैक्ट है तो इसका मतलब ये नहीं, या किसी ऐसी एजेंसी के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट है जो पब्लिक फंक्शन परफॉर्म कर रही है, तो इसका मतलब वो कमर्शियल डिस्प्यूट नहीं रहेगा, ऐसा नहीं होगा। आप स्टेट के साथ भी अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं या किसी ऐसी ऐसी एजेंसी के साथ कर रहे हैं जो पब्लिक फंक्शन परफॉर्म कर रही है वो भी कमर्शियल माना जाएगा अगर वो अबव कैटेगरी से कनेक्टेड है। डील आप किसके साथ कर रहे हैं, क्योंकि आप सरकार के साथ डील कर रहे हैं इसीलिए मेयरली इस कारण से कि आप सरकार के साथ डील कर रहे हैं वो मैटर अब कमर्शियल नहीं रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये दो बातें एक्सप्लेनेशन में बताई हैं विच आर सजेस्टिव कि कैसे डिटरमाइन किया जाएगा कमर्शियल डिस्प्यूट। उसके बाद देखिए ये जो डेफिनेशन आगे है कमर्शियल डिविजन की, ये जैसा मैंने आपको कहा कोर्ट्स के साथ में बताऊंगा चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर में। डिस्ट्रिक्ट जज कौन होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट जज होता है 236 के हिसाब से वो ही डिस्ट्रिक्ट जज यहां माने जाएंगे। डॉक्यूमेंट की सिंपल डेफिनेशन है जो आपने किसी भी लॉ में पढ़ी है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। नोटिफिकेशन शेड्यूल ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है स्पेसिफाइड वैल्यू। स्पेसिफाइड वैल्यू का मतलब वही, क्योंकि भाई पिक्यूनरी ज्यूरिस्डिक्शन की बात अपन करेंगे, कोर्ट्स के पिक्यूनरी ज्यूरिस्डिक्शन की बात अपन करेंगे, इसीलिए स्पेसिफाइड वैल्यू निकालना आपके डिस्प्यूट की जरूरी है। यहां बताया नहीं है कैसे निकालना है, उसके लिए सेपरेट प्रोविजन है जो ही मैंने आपको कंटेंट में चैप्टर बताया, सेपरेट चैप्टर है, सेपरेट सेक्शन है 12, उसको देखेंगे, वहां से पता चलेगा कि ये स्पेसिफाइड वैल्यू होती क्या है, कैसे वो स्पेसिफाइड वैल्यू अपन कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद आ जाइए, अब आना तो है चैप्टर 2 पे अपने को, जो कोर्ट्स के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है, लेकिन उसके पहले जरा नजर मार लीजिए आप इस चार्ट पे, इसको जरा अपन देख लेते हैं। ये दो तरीके का डिवीजन किया गया है कोर्ट्स का या अथॉरिटीज का, थोड़ा सा इसका ब्रीफ समझ लीजिए किस बारे में बात करता है, तो फिर इसको तो मैं समझा ही दूंगा, फिर आगे अपन प्रोविजन में देखेंगे कि ये ड्रॉ कहां से हुआ है, कहां से चीजें उठाई गई हैं, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे प्रोविजन वाइज एक एक करके। सो देखिए, सबसे पहले एक बात समझिए कि मध्य प्रदेश सॉरी इंडिया में जो हाई कोर्ट्स हैं उनमें कुछ हाई कोर्ट्स ऐसे हैं जिनके पास ओरिजिनल सिविल ज्यूरिस्डिक्शन है, कुछ हाई कोर्ट्स ऐसे हैं भारत में जिनके पास ओरिजिनल सिविल ज्यूरिस्डिक्शन है। ओरिजिनल सिविल ज्यूरिस्डिक्शन का मतलब एक सिविल मैटर आप सीधे हाई कोर्ट में इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। ओरिजिनल का मतलब क्या होता है कि ये मैटर वहां इंस्टीट्यूट वहां से शुरू हो सकता है, एक तो ओरिजिनल होता है, दूसरा अपेलेट होता है या फिर रिविजनल होता है। तो भैया कई स्टेट ऐसे हैं जिनमें हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल सिविल ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है, हाई कोर्ट के पास जो सिविल मामला पहुंचता है वो अपील के माध्यम से पहुंचता है या रिविजन के माध्यम से पहुंचता है, सीधे सूट इंस्टीट्यूट नहीं होता, और इसको हम कहते हैं कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। तो कुछ ऐसे स्टेट हैं जिनमें कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस होता है हाई कोर्ट, और कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां हाई कोर्ट कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस नहीं होता, सीधे मामला आप वहां इंस्टीट्यूट
नहीं कर सकते। तो ये दो कैटेगरी में डिवाइडेड हैं हाई कोर्ट्स फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। ठीक, पांच हाई कोर्ट्स ऐसे हैं, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास और एक दो और हैं, हिमाचल है शायद। तो ये आपके हाई कोर्ट्स हैं जो जिनके पास ओरिजिनल सिविल ज्यूरिस्डिक्शन है, और बाकी के जो हाई कोर्ट्स हैं उनके पास ओरिजिनल सिविल ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है। तो वहां क्या कॉन्स्टिट्यूशन होगा कोर्ट्स का, वो अलग है। जहां हाई कोर्ट्स के पास ओरिजिनल सिविल ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है वहां अलग तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन है, और जहां हाई कोर्ट्स के पास ओरिजिनल सिविल ज्यूरिस्डिक्शन है वहां कोर्ट्स को अलग तरीके से कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। ये सारी बातें अगले चैप्टर में प्रोविजन वाइज लिखी हैं, टू अंडरस्टैंड उसको हम इस तरीके से समझ रहे हैं। इसके बाद मैं प्रोविजन भी बताऊंगा कि ये चीजें कहां से डेराइव हो रही हैं। सो देखिए, अब पहले अपन बात करते हैं उन स्टेट्स की जिन स्टेट्स में हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल सिविल ज्यूरिस्डिक्शन है। देखिए, मैंने आपको बताया ओरिजिनल सिविल ज्यूरिस्डिक्शन का मतलब क्या है, कि मामला सीधे हाई कोर्ट में जा सकता है, और इन केसेस में मामला सीधे हाई कोर्ट में इंस्टीट्यूट नहीं होगा, पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या उससे नीचे लेवल से मामला शुरू होगा। लेकिन ऐसे हाई कोर्ट जिनके पास ओरिजिनल सिविल ज्यूरिस्डिक्शन है वहां आप सीधे सूट इंस्टीट्यूट, अपनी प्रोसीडिंग सीधे शुरू कहां कर सकते हैं, हाई कोर्ट में कर सकते हैं। तो इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है या इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो क्या रहेगा, तो इसको समझिए। अब देखो भाई, मैंने आपसे कहा कि कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट का पर्पज है सेपरेट अथॉरिटीज बनाना। सेपरेट अथॉरिटीज से मतलब कि सेपरेट कोर्ट अपन कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, जज वही रहेंगे। जो हाई कोर्ट की सेपरेट अथॉरिटी होगी कमर्शियल डिस्प्यूट्स को सुलझाने की, जजेस उसमें हाई कोर्ट के ही रहेंगे लेकिन उसका नाम अलग रहेगा। ऐसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा, जजेस उसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ही रहेंगे लेकिन उस एंटिटी का, उस कोर्ट का नाम थोड़ा सा बदलेंगे। वही चीज यहाँ पे हो रही है। तो देखिए, ऐसे हाई कोर्ट्स जहां पे जिनके पास ओरिजिनल सिविल ज्यूरिस्डिक्शन है वहां जो मामला शुरू होगा कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस होंगे, वो दो तरीके के होंगे। पहला होगा आपका कमर्शियल डिवीजन ऑफ हाई कोर्ट, अभी इसको छोड़ दीजिए, कमर्शियल एपेलेट डिवीजन फिलहाल छोड़ दीजिए, अपन पहले इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं कि कहां से चालू होगा मामला। तो देखिए, क्योंकि मैंने कहा हम उन स्टेट्स की बात कर रहे हैं जहां हाई कोर्ट्स के पास भी ओरिजिनल सिविल ज्यूरिस्डिक्शन है, तो जिन हाई कोर्ट्स के पास ओरिजिनल सिविल ज्यूरिस्डिक्शन है वो एक सेपरेट कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जिसको हम कहते हैं कमर्शियल डिवीजन ऑफ हाई कोर्ट। उसको कहते हैं कमर्शियल डिवीजन ऑफ हाई कोर्ट विद ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन, और यहां सिंगल जज होंगे। देखिए, आपने जनरली पढ़ा होगा कि डिवीजन का मतलब होता है हमेशा टू जजेस। डिवीजन बेंच क्या होती है, दो जजेस की होती है। और यहां पे आप अलग अलग वर्ड देख रहे होंगे कमर्शियल, एक तो कोर्ट वर्ड दिखेगा आपको और एक डिवीजन वर्ड दिखेगा। जहां भी आप डिवीजन वर्ड देख रहे हैं समझ जाइए हाई कोर्ट की बात चल रही है, और जहां आप कोर्ट वर्ड देख रहे हैं वहां डिस्ट्रिक्ट और उससे नीचे की बात चल रही है। तो देखिए, कमर्शियल डिवीजन ऑफ हाई कोर्ट जो है ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन का, इसमें सिंगल जज की बेंच होगी, लेकिन ये होगा किसका, हाई कोर्ट का। क्यों हो रहा है हाई कोर्ट का, क्योंकि इन हाई कोर्ट्स के पास ये अथॉरिटी है, इन हाई कोर्ट्स के पास पावर है, इनके पास ओरिजिनल सिविल ज्यूरिस्डिक्शन है, ये एक सिविल मैटर इंस्टीट्यूट कर सकते हैं हाई कोर्ट में। इसलिए हाई कोर्ट का भी एक डिवीजन सेपरेट कर दिया गया है कमर्शियल मामलों को सुनने के लिए। इसको हम कहते हैं कमर्शियल डिवीजन ऑफ हाई कोर्ट विद ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन, और सिंगल जज का ये बेंच होगा। ठीक, यहां मामला सीधे आप इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, दिस विल बी द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। इसके अलावा, अब क्योंकि हमें स्पीडी डिस्पोजल चाहिए, जल्दी मामला सॉल्व करना है, तो इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी एक कमर्शियल कोर्ट बनाया जाएगा, जिसको हम कहते हैं कमर्शियल कोर्ट एट डिस्ट्रिक्ट जज लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब ये ऐसे स्टेट्स जहां हाई कोर्ट के पास भी ओरिजिनल सिविल ज्यूरिस्डिक्शन है, ऐसे स्टेट्स में हम जो डिस्ट्रिक्ट लेवल से चीज चालू कर रहे हैं, अगर हम सूट इंस्टीट्यूट कर रहे हैं, तो वो सीधे डिस्ट्रिक्ट जज लेवल पे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास हाई कोर्ट का भी तो एक बेंच है, हाई कोर्ट का भी तो एक डिवीजन है जो इन मैटर्स को सीधे इंस्टीट्यूट करेगा, तो इससे नीचे जाने की जरूरत नहीं है। सीधे मामला इंस्टीट्यूट किधर हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट जज लेवल पे हो रहा है। इनको बोलते हैं कमर्शियल कोर्ट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हाई कोर्ट नहीं है, जो हाई कोर्ट है वो डिवीजन कहलाएगा, ये कोर्ट कहलाएंगे, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होंगे। और ये उन स्टेट की अभी मैं बात कर रहा हूं जिनमें हाई कोर्ट्स के पास ओरिजिनल सिविल ज्यूरिस्डिक्शन है, वो खुद एक
प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए अपन ने हाई कोर्ट का भी एक विंग बना दिया और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी एक अथॉरिटी बना दी, जो डिस्ट्रिक्ट जज जनरली जिसको प्रिसाइड ओवर करेंगे उसको हम कहते हैं कमर्शियल कोर्ट। तो ये कमर्शियल कोर्ट भी रहेगा, आप यहां भी मामला ला सकते हैं यहां भी। अब इनके बीच में जो डिविजन होगा कि भैया हाई कोर्ट में कौन सा मामला ले जाएंगे और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कौन सा मामला ले जाएंगे, ऐसे स्टेट्स में जहां हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन है, तो ये जो डिविजन होगा ये पिक्यूनरी लिमिट के हिसाब से होगा। एक मॉनेटरी लिमिट डिसाइड कर दी गई है, जैसे सॉरी सीपीसी में आपने पढ़ा है सेक्शन 6 पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन की बात करता है। अब भैया एक डिस्ट्रिक्ट में भी अलग अलग कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज का कोर्ट अलग होता है, सिविल जज क्लास वन अलग होता है, या सिविल जज जूनियर डिवीजन, सीनियर डिवीजन, क्लास वन, क्लास टू, ये जो स्टेट वाइज डिफर करते हैं, इनके पिक्यूनरी लिमिट भी स्टेट वाइज होती है। अलग अलग स्टेट में स्टेट वाइज ये डिफर होती है, कोई यूनिफॉर्म चीज इसके लिए प्रोवाइडेड नहीं है, ना सीपीसी में ना कमर्शियल कोर्ट में। तो यहां पे भी स्टेट अपने हिसाब से क्या करते हैं, पिक्यूनरी लिमिट डिसाइड कर देते हैं। जैसे 3 लाख से मामला शुरू होना है तभी वो इस एक्ट के तहत कंसीडर होगा, अदरवाइज नहीं होगा अगर 3 लाख से नीचे का है। तो फॉर एन एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अगर अपन मान लें कि कमर्शियल कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, मान लीजिए वो मामले देख रहा है 3 लाख से 10 लाख, इसको एक लिमिट दे दी कि भैया आप 3 लाख से 10 लाख का मामला देखेंगे, और 10 लाख से ऊपर का जो मामला होगा, अबव 10 लाख जो मामला होगा वो कौन देखेगा, आपका कमर्शियल डिवीजन हाई कोर्ट वाला देखे भाई, क्योंकि हाई कोर्ट हायर कोर्ट है, इसलिए ऑब्वियसली पिक्यूनरी लिमिट उसकी थोड़ी ऊपर से चालू होगी जो इनके पास नहीं होगी। अगर आपका मामला इस रेंज में आ रहा है तो ये देख लेंगे, इधर आ रहा है, लेकिन ये स्टेट वाइज डिफर करता है, ये कोई यूनिफॉर्म लिमिट नहीं दी है, मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए आपको बता रहा हूं ये, ठीक। तो इस तरीके से डिविजन होगा, दो आपके कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस होंगे जहां पे आप अपना मामला इंस्टीट्यूट या शुरू कर सकते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एक हाई कोर्ट लेवल पे। क्यों हाई कोर्ट लेवल पे यहां इंस्टीट्यूट हो पा रहा है, इसका कारण यह है कि ये ऐसे स्टेट्स की अपन बात कर रहे हैं जहां हाई कोर्ट्स के पास ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन है। अब यहां पे जब मामला इंस्टीट्यूट होगा, ऑब्वियस सी बात है अपील भी जानी है, तो ऐसे केसेस के लिए हाई कोर्ट की ही एक डिवीजन बेंच बेंच हाई कोर्ट का ही एक डिवीजन क्रिएट किया जाएगा जो इन दोनों से अपील सुनेंगे, उसको कहते हैं कमर्शियल एपेलेट डिवीजन। इसको क्या कहते हैं, कमर्शियल डिवीजन, और इसको कहते हैं कमर्शियल एपेलेट डिवीजन। एपेलेट डिवीजन इसलिए क्योंकि ये क्या सुनेगा, अपील सुनेगा, इसलिए एपेलेट डिवीजन होगा, ये भी हाई कोर्ट का ही। तो इसकी अपील भी एपेलेट डिवीजन के पास जाएगी हाई कोर्ट के, इसकी अपील भी एपेलेट डिवीजन के पास जाएगी हाई कोर्ट के। तो ये इस तरीके की हिरार्की कोर्ट की कहां रहेगी, ऐसे स्टेट्स में जहां स्टेट्स के पास ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन है। अब बात करते हैं अपन ऐसे स्टेट्स की वेयर हाई कोर्ट डज नॉट हैव ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन, एंड इफ द हाई कोर्ट डज नॉट हैव ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन, इसका क्लियर मतलब यह है कि आपकी प्रोसीडिंग हाई कोर्ट में शुरू तो नहीं होगी। हाई कोर्ट पहुंचेंगे का मामला, लेकिन अपील के माध्यम से आप मामला शुरू नहीं कर पाएंगे। इसीलिए यहां जो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस होंगे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल या उसके नीचे के लेवल के बनाए गए हैं। तो ऐसी जगह पे आप देखिए जहां हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, वहां जो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस होंगे वो आपके ये दो होंगे। एक ये होगा कमर्शियल कोर्ट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, जो डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल का होगा, और एक होगा डिस्ट्रिक्ट जज से नीचे के लेवल के कमर्शियल कोर्ट। इसमें आपके वो सब आ जाएंगे, जेएमएफसी, जेएमएससी, या सिविल जज, सीनियर डिवीजन, जूनियर डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट जज से नीचे वाला लेवल। इन दोनों को कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस बनाया गया है, इनमें भी मामले डिवाइड कैसे होंगे, पिक्यूनरी। जैसे मान लीजिए उन स्टेट की अपन ने बात करी जहां हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन है, तो एक लिमिट अपन ने इसको दे दी, एक लिमिट इसको। यहां पे भी ऐसे मान लीजिए यहां 3 से 10 लाख ये देख लेंगे, और 10 के ऊपर के मामले डिस्ट्रिक्ट जज लेवल पे चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ हाई कोर्ट है ही नहीं, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, तो मामला शुरू हो ही नहीं सकता हाई कोर्ट में, इसलिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज लेवल पे होगा या फिर उससे नीचे। अब इसकी अपील में, अपील के लिए क्या है, देखिए मैंने आपको कहा कमर्शियल कोर्ट का पर्पस सिर्फ कोर्ट स्टैब्लिश करना नहीं है, प्रोसीजर को भी हमें फास्ट करना है, इसलिए अपील पे भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। जैसे आप यहां देखेंगे, यहां जो डिस्ट्रिक्ट जज लेवल का जो ये कमर्शियल कोर्ट आपका होगा, ये वाला जो कमर्शियल कोर्ट है जिसकी पिक्यूनरी लिमिट हाई होगी, इसकी अपील कहां जाएगी, वहीं जाएगी जहां इधर जा रही थी, कमर्शियल एपेलेट डिविजन के पास ही जाएगी हाई कोर्ट के। हाँ
कोर्ट के कमर्शियल अपेलेट डिवीजन के पास ही जाएगी अपील। किन मैटर्स की, कौन से कोर्ट्स की? ऐसे कमर्शियल कोर्ट्स की जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाए जा रहे हैं, क्योंकि इनकी ऑब्वियसली पिक्यूनरी लिमिट ज्यादा होगी, इनकी अपील सीधे हाई कोर्ट के उस डिवीजन अपेलेट डिवीजन के पास होगी। हर स्टेट में यह कमर्शियल अपेलेट डिवीजन होगा, चाहे उस स्टेट में ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन हो या ना हो, क्योंकि अपन अपील की बात कर रहे हैं, अपील तो हर हाई कोर्ट सुनेगा, इसलिए ये वाला डिवीजन सब जगह होगा। लेकिन ये वाला जो डिवीजन है कमर्शियल डिवीजन, ये सिर्फ उन स्टेट्स में होगा जहां हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन है। अब देखिए, इसकी अपील तो हाई कोर्ट चली गई, लेकिन हमने कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस एक लोअर कोर्ट को भी बनाया है। ऐसे कमर्शियल कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट जज से नीचे के लेवल के हैं, अगर इन्होंने कोई मामला डिसाइड किया है, इसकी अपील आपकी जाएगी। एक अलग से अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट होगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। एक तो आपने क्या कॉन्स्टिट्यूट किया, कमर्शियल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट किया, दोनों केसेस में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमर्शियल कोर्ट स्टैब्लिश किया। ऐसे स्टेट्स जहां हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, उनमें एक एडिशनल अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट होती है, जिसको कहते हैं कमर्शियल एपेलेट कोर्ट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। एक एपेलेट कोर्ट अलग से बनाया जाएगा, ये अलग से एक सेक्शन है। अभी अपन चैप्टर में सेक्शन भी मैं आपको बता दूंगा कहां से ये चीजें उठाई हैं गई हैं, तो वो सेपरेटली एक एंटिटी होगी। और ये अपील किसकी सुनेंगे, इन कोर्ट्स की, जो कमर्शियल कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के नीचे के हैं, इनकी अपील सुनने के लिए हाई कोर्ट नहीं बैठा, हाई कोर्ट के पास नहीं जाएगा, ये अपील जाएगी यहां सेपरेट। आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट जज लेवल पे ही आपने एक अपील सुनने की अथॉरिटी भी बना दी। जैसे हाई कोर्ट की तो अपेलेट अथॉरिटी थी कमर्शियल कोर्ट डिवीजन, ऐसे ही आपने बना दिया कमर्शियल अपेलेट कोर्ट। देखिए यहां वर्ड आएगा कोर्ट, चाहे वो अपेलेट हो चाहे ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात चल रही है, कोर्ट जहां डिविजन दैट इज हाई कोर्ट। ठीक, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये स्ट्रक्चरिंग है पूरी। अब आप पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर और सेक्शन 13, तो ये चार्ट आप खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। प्रावधान लिखें, उन्हीं को ऑर्गेनाइज कर दिया गया है बस। मैं आपको अब प्रोविजंस भी बता देता हूं एक एक करके कोऑर्डिनेट करते हुए, कि कहां से ये चीजें उठाई गई हैं और कैसे ये डेरिवेशंस आते हैं। देखिए आ जाते हैं चैप्टर 2, ये बात करता है कमर्शियल कोर्ट की। देखिए किस किस चीज की बात कर रहा है, कमर्शियल कोर्ट, कमर्शियल एपेलेट कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बना है अपील सुनने के लिए, कमर्शियल एपेलेट कोर्ट। इसके बाद कमर्शियल डिवीजन, हाई कोर्ट का वो डिवीजन जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज कर रहा है, जहां सीधे क्रिमिनल मैटर जाएगा हायर वैल्यू का, ये उसकी बात कर रहे हैं। इसके बाद है एंड कमर्शियल एपेलेट डिवीजन, हाई कोर्ट का वो डिवीजन जो अपील सुनेगा। ठीक, तो ये इन सब के कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, यहीं से वो चार्ट ड्रॉ हुआ है। सो देखिए सेक्शन 3 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमर्शियल कोर्ट। अभी अपन कमर्शियल कोर्ट की बात करते हैं। जब मैं कह रहा हूं कमर्शियल कोर्ट किस लेवल पे होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा। देखिए द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द कंसर्न्ड हाई कोर्ट बाय नोटिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूट सच नंबर ऑफ कमर्शियल कोर्ट, जितने चाहे उतने कमर्शियल कोर्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बना सकते हैं, एज इट मे डीम नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ एक्सरसाइजिंग द ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर कन्फर्ड ऑन दोस कोर्ट अंडर दिस एक्ट। तो स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो जितने चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमर्शियल कोर्ट्स बना सकती है। ये जो प्रोविजन है पता है किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये बेटा रिफ्लेक्ट कर रहा है इस वाले कमर्शियल, इन कमर्शियल कोर्ट्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सबसेक्शन 1 है वो उस जगह की बात कर रहा है जहां हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं उसको समझिएगा, क्योंकि यहां ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि कौन से हाई कोर्ट्स की बात चल रही है, ये जनरल बात करी है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमर्शियल कोर्ट बना सकते हैं। फिर आप देखेंगे प्रोवाइजो, यहां से वो डेरिवेशन आएगा, प्रोवाइडेड दैट विद रिस्पेक्ट टू हाई कोर्ट्स हैविंग ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन। अब प्रोवाइजो में उन हाई कोर्ट्स की बात करी गई है जिनके पास ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन है, उस केस में क्या होगा, द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द कंसर्न हाई कोर्ट बाय नोटिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूट कमर्शियल कोर्ट्स, किस लेवल पे होंगे कमर्शियल कोर्ट, इधर एट द डिस्ट्रिक्ट जज लेवल। इधर के जो कमर्शियल कोर्ट होंगे वो किस लेवल पे होंगे, डिस्ट्रिक्ट जज लेवल पे। इसीलिए ये जो चार्ट आपने देखा, इसमें ये जो कमर्शियल कोर्ट है किस लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट जज लेवल, क्योंकि हम उन स्टेट्स की बात करते हैं यहां जिनके पास ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन है। ये हाई कोर्ट्स कम है, 5 हाई कोर्ट हैं बस। ठीक, तो ये आ गया आपका वहां से ये डेरिवेशन। इसके बाद देखिए
वन ए ये पिक्यूनरी। अब आगे जो बात है पिक्यूनरी लिमिट की, वो जो मैंने आपको बताया ना कि एक पिक्यूनरी लिमिट डिसाइड हो जाएगी कि भाई अगर ऐसे स्टेट की बात कर रहे हैं जहां हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन है तो हाई कोर्ट का भी एक डिवीजन होगा जो सीधे मामले सुनेगा, तो हायर लिमिट वो सुनेगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो बना रहे हैं अपन डिस्ट्रिक्ट जज लेवल का, वो थोड़े लोअर पिक्यूनरी मैटर्स सुनेगा, उसको यहाँ पे बताया गया है बस। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको कही कि जो दूसरे केस की अपन बात कर रहे हैं जहां हाई कोर्ट्स के पास ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, वहां मैंने कहा डिस्ट्रिक्ट लेवल के नीचे भी कमर्शियल कोर्ट होंगे। वो किधर से आ रहा है? सबसेक्शन 3। देखिए यहां 2 में तो क्लियरली लिखा है, स्टेट गवर्नमेंट शैल आफ्टर कंसल्टेशन विद द कंसर्न्ड हाई कोर्ट बाय नोटिफिकेशन द लोकल लिमिट्स ऑफ द एरिया। लोकल लिमिट भी डिफाइन कर देंगे और पिक्यूनरी लिमिट भी डिफाइन कर देंगे किस कोर्ट की क्या होगी। ये सबसेक्शन 3 इंपॉर्टेंट है। द स्टेट गवर्नमेंट में विद द कॉन्करेंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट अपॉइंट वन और मोर पर्सन हैविंग एक्सपीरियंस इन डीलिंग विद कमर्शियल डिस्प्यूट्स टू बी द जज और जजेस ऑफ अ कमर्शियल कोर्ट। क्या लिखा है? ईदर एट द लेवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज और अ कोर्ट बिलो द लेवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। जिस डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल पे भी और बिलो द लेवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, उनके लिए जजेस अपॉइंट करे जाएंगे। और जो जनरल प्रोविजन है वो किसकी बात कर रहे हैं? वो बात कर रहे हैं ऐसे स्टेट्स की जिनमें हाई कोर्ट्स के पास ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। जितने भी ये सबसेक्शन आप देख रहे हैं ये सब उनकी बात कर रहे हैं। ऐसे हाई कोर्ट्स जिनके पास ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन है उनके लिए तो हमने अलग से प्रावधान पढ़ लिया प्रोविजो में, और 1A ये जो अलग से दिए हुए हैं ये उनकी बात, प्रोविजो जो है वो ऐसे स्टेट्स की बात कर रहा है जहां ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन है। ठीक, तो ये जो है ये उस पे एप्लीकेबल है जहां ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, वहां डिस्ट्रिक्ट लेवल के नीचे के कोर्ट्स भी कमर्शियल कोर्ट बनाए जाएंगे। और इसीलिए इस चार्ट में आपने देखा कि ऐसे स्टेट जहां पे ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, क्योंकि वहां जो इंस्टीट्यूट होना है मामला वो या तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल पे होगा, डिस्ट्रिक्ट जज लेवल पे, या उससे नीचे वाले में इंस्टीट्यूट होगा। ठीक, इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट प्रोविजन पे, तो 3A डेजिग्नेशन ऑफ कमर्शियल एपेलेट कोर्ट। अब मैंने आपको यह भी बताया ऐसे स्टेट जहां हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन नहीं है उनमें एक एपेलेट अथॉरिटी भी बनाई जाएगी, क्योंकि यहां जो मामला शुरू हो रहा है वो डिस्ट्रिक्ट जज लेवल से नीचे से भी हो रहा है, तो उनकी अपील हाई कोर्ट नहीं सुनेगा, उसके लिए एक सेपरेट एपेलेट अथॉरिटी बनाई जाएगी जो बनाई गई है 3A में। यहां देखिए एक्सेप्ट क्या लिखा है, एक्सेप्ट द टेरिटरीज ओवर विच द हाई कोर्ट हैव ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन। ऐसे हाई कोर्ट्स जिनके पास ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन है उनके अलावा पे एप्लीकेबल होगा ये। द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द कंसर्न हाई कोर्ट बाय नोटिफिकेशन डेजिग्नेट सच नंबर ऑफ कमर्शियल एपेलेट कोर्ट्स एट डिस्ट्रिक्ट जज लेवल। कमर्शियल एपेलेट कोर्ट किस लेवल पे होंगे? डिस्ट्रिक्ट जज लेवल, एज इट मे डीम नेसेसरी फॉर द पर्पसेस ऑफ एक्सरसाइजिंग द ज्यूरिसडिक्शन। तो यहां से अपन ने उठा लिया क्या, ये वाला पोर्शन अपने चार्ट में, ये कमर्शियल कोर्ट जो ओरिजिनल कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस है, इनका मामला सुनने के लिए, इनकी अपील सुनने के लिए 3A ने ये कॉन्स्टिट्यूट किया है, कमर्शियल एपेलेट कोर्ट एट डिस्ट्रिक्ट जज लेवल। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक, आ जाइए नीचे इसके बाद, तो ये हो गया आपका 3A। फिर देखिए 4, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमर्शियल डिवीजन ऑफ हाई कोर्ट। वो जो कमर्शियल डिवीजन, ऐसे स्टेट्स जहां पे ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होता है, यहां क्लियरली लिखा है इन ऑल हाई कोर्ट्स। क्या लिखा है फिर? हैविंग ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन। ऐसे हाई कोर्ट्स जिनके पास ऑर्डिनरी सिविल ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन है वहां पे होगा ये डिवीजन। द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट मे बाय ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूट अ कमर्शियल डिवीजन हैविंग वन और मोर बेंचेस कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल जज। क्या लिखा है? कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल जज फॉर द पर्पस ऑफ एक्सरसाइजिंग द ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर्स कंफर्ड ऑन इट अंडर दिस एक्ट। तो यहां पे एक कमर्शियल डिवीजन ऑफ हाई कोर्ट बनाया जाएगा ऐसे हाई कोर्ट्स के लिए जिनके पास ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन है, और ये कॉन्स्टिट्यूट करेगा एक सिंगल जज। यही अपन ने अपने चार्ट में देख लिया है। आई होप यू गेटिंग द कनेक्शन नाउ। कमर्शियल डिवीजन ऑफ हाई कोर्ट विथ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, सिंगल जज, ऐसे स्टेट में। कौन से स्टेट में? ऐसे स्टेट में जिनके पास ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट 5th,
अच्छा, ये जज की अपॉइंटमेंट की बात है कि उसमें होंगे कौन सिंगल जज? हाई कोर्ट के कोई जज जिनके पास कमर्शियल मैटर सुनने का एक्सपीरियंस हो। फिफ्थ बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमर्शियल एपेलेट डिवीजन। एपेलेट डिवीजन मतलब ये हाई कोर्ट का होगा अपील सुनने के लिए, और यहां लिखा है आफ्टर इश्यूइंग नोटिफिकेशन अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3 और ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 4, द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट शैल बाय ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूट कमर्शियल एपेलेट डिवीजन हैविंग वन और मोर डिवीजन बेंचेस फॉर द पर्पस ऑफ एक्सरसाइजिंग द ज्यूरिसडिक्शन। डिवीजन बेंच बोले तो दो जजेस कम से कम, द ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर्स कंफर्ड ऑन इट बाय द एक्ट। तो आप क्या करेंगे, कमर्शियल एपेलेट डिवीजन भी बनाएंगे, और यहां कोई ऐसा स्पेसिफिकेशन नहीं है कि हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, क्योंकि ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की बात ही नहीं है, ये एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन की बात है और ये हर हाई कोर्ट के पास होता है। और इसीलिए हमारे चार्ट में जैसा कि आपने अभी देखा दोनों तरफ है, ये कमर्शियल एपेलेट डिवीजन दोनों हर तरीके के स्टेट में जहां हाई कोर्ट है वहां ये होगा ही होगा। ठीक, सो दिस इज अबाउट द एपेलेट अथॉरिटी जो हाई कोर्ट की होगी। इसके बाद देखिए सिक्स, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कमर्शियल कोर्ट। कमर्शियल कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन की बात कर रहा है कि किस तरीके के मामले उन्हें सुनने हैं। द कमर्शियल कोर्ट शैल हैव ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स एंड एप्लीकेशंस रिलेटिंग टू अ कमर्शियल डिस्प्यूट ऑफ अ स्पेसिफाइड वैल्यू। अब ये स्पेसिफाइड वैल्यू कितनी होगी ये भैया स्टेट डिसाइड करेगा यार। स्पेसिफाइड वैल्यू मामले की, डिस्प्यूट की स्पेसिफाइड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है वो तो यहां दिया है इस एक्ट में, लेकिन एक पर्टिकुलर कोर्ट जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो कितने तक की वैल्यू का मामला सुनेगा वो ये एक्ट गवर्न नहीं करेगा। ठीक, वो स्टेट वाइज डिफर करता है, तो वो अपने को यहां नहीं मिलेगा। इसके बाद देखिए सेवन, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कमर्शियल डिविजन ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जो कमर्शियल डिविजन है, जो ओरिजिनल ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन रखते हैं सिविल मैटर्स में, उनकी बात चल रही है, वहां किस तरीके के मामले जाएंगे। ऑल सूट्स एंड एप्लीकेशंस रिलेटिंग टू कमर्शियल डिस्प्यूट्स ऑफ अ स्पेसिफाइड वैल्यू फाइल्ड इन अ हाई कोर्ट हैविंग ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन, ये किधर होगा, जहां ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन है, शैल बी हर्ड एंड डिस्पोज्ड ऑफ बाय द कमर्शियल डिविजन ऑफ दैट हाई कोर्ट। तो जहां भी हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन है, जो मामले वहां जाने थे हाई कोर्ट में कमर्शियल नेचर के अगर वो हैं तो वो कहां जाएंगे, कमर्शियल डिवीजन के पास जाएंगे, उस हाई कोर्ट का जो एक सेपरेट डिवीजन होगा जो सिर्फ कमर्शियल मामले सुनने के लिए बैठा है सिंगल जज के साथ, वहां जाएंगे। ठीक, कमर्शियल डिवीजन में जाएंगे, और ये उसी से रिलेटेड डिटेल है, कुछ मैटर्स जो हाई कोर्ट जाते हैं सिविल मैटर्स, तो अब वो कहां जाएंगे, कमर्शियल डिवीजन के पास। इसके बाद एट देखिए, बार अगेंस्ट रिविजन एप्लीकेशन और पिटिशन अगेंस्ट एन इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर। देखिए इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर क्या होते हैं, जो प्रोसीडिंग के दौरान दिए जाते हैं, है ना, आप जानते हैं इंजंक्शन वगैरह। तो भाई ऐसे जो ऑर्डर्स, हमारा पर्पस क्या है पूरे एक्ट का, स्पीडी डिस्पोजल, ज्यादा लटकाने वाला काम नहीं होना चाहिए, फटाफट रिड्रेसल होना चाहिए, उसी की बात बेसिकली यहाँ पे चल रही है। तो अब देखिए उनके लिए एक बार लगाई गई है कि उन मैटर्स की अपील सॉरी उन मैटर्स के लिए रिविजन नहीं किया जाएगा या पिटिशन नहीं लगाई जाएगी, सिर्फ अपील के माध्यम से आप उन्हें चैलेंज कर पाएंगे। सो देखिए, नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, नो सिविल रिविजन एप्लीकेशन और पिटिशन शैल बी एंटरटेन अगेंस्ट एनी इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर। इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर के अगेंस्ट कोई रिविजन या अदर पिटिशन नहीं लगाई जाएगी, और इंक्लूडिंग एन ऑर्डर ऑन द इशू ऑफ ज्यूरिसडिक्शन एंड एनी सच चैलेंज सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3 शैल बी रेज्ड ओनली इन एन अपील अगेंस्ट द डिक्री। डिक्री आने के बाद अपील में ही सुनवाई होगी, बीच में कुछ नहीं होगा। ये भी किस लिए है, स्पीडी रिड्रेसल के लिए बेसिकली ये है। ठीक, नाइन तो है ही नहीं, अब टेन देखिए, ज्यूरिसडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ आर्बिट्रेशन मैटर। बिफोर वी मूव ऑन टू दिस, अभी अपन ने कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, कुछ एक आध डाउट है मैं वो जरा वो देख लूं कमेंट में, फिर अपन इस आर्बिट्रेशन की तरफ आ रहे हैं। रेखा का डाउट है सर, कमर्शियल अपेलेट कोर्ट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल अपील ऑल्सो लाइज कमर्शियल अपेलेट डिविजन ऑफ हाई कोर्ट। यस बेटा, अगर कमर्शियल अपेलेट कोर्ट उर्स वाले सेक्शन की अपन बात कर रहे हैं जहां हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन है, क्योंकि जहां हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन है, जहां हाई कोर्ट का एक डिवीजन बैठा है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन लेके, कमर्शियल डिवीजन जिसको हम कह रहे हैं, वहां भी मामला शुरू हो सकता है। ऐसे केस में सिर्फ डिस्ट्रिक्ट जज लेवल से ही इंस्टीट्यूट होगा, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज लेवल ही होगा, तो उसकी अपील जो जाएगी वो हाई कोर्ट के
अपेलेट डिवीजन पे ही जाएगी, डिस्ट्रिक्ट वाली भी अपील किधर जाएगी, हाई कोर्ट के पास ही। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी चीज ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, देखो एक सिंपल बात आप समझ लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट जज लेवल पे अगर ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के तहत कोई जजमेंट पास हुआ है, ओरिजिनल मतलब वही इंस्टीट्यूट हुआ है, तो उसकी अपील हमेशा हाई कोर्ट के अपेलेट डिवीजन के पास जाएगी। इट इज एज सिंपल एज इट इज। ठीक, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट जज लेवल पे ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज हुआ है, वो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस का मामला वहीं स्टार्ट हुआ है, तो उसके जजमेंट की जो अपील होगी वो हमेशा हाई कोर्ट के कमर्शियल अपेलेट डिवीजन के पास जाएगी। आई होप रेखा आई हैव आंसर्ड योर क्वेरी। इसके बाद आइए 10, ज्यूरिसडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ आर्बिट्रेशन मैटर। देखिए इसका थोड़ा ब्रीफिंग समझ लीजिए। अब अभी तो अपन ने कोर्ट्स की बात कर ली किस तरीके से, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, ध्यान रखना है ना। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड भी आप कर सकते हैं सेशन के बाद। ये जो सेक्शन 10 है बेसिकली ये बता रहा है, देखो क्योंकि हमें अभी आर्बिट्रेशन तो अभी हमें पढ़ना है ना, अभी इस सीरीज में फिलहाल हमने नहीं पढ़ा है, संडे को मैं कवर करूंगा उस एक्ट को। तो जब आर्बिट्रेशन में मैटर होता है तो वहां से भी ना कई बार ये है कि आप कोर्ट्स के पास जा सकते हैं, हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं, सिविल कोर्ट के पास आप जा सकते हैं आर्बिट्रेशन के मैटर लेके भी। आर्बिट्रेशन में जो भी चीज डिसाइड हुई है उसको भी आप यहां आके चैलेंज करते हैं। उन मैटर्स के लिए लिखा है कि बहुत सिंपल सी बात समझना, सेक्शन 10 को एकदम ब्रीफ कर रहा हूं आपके लिए मैं, बहुत सिंपल सी बात समझना। आर्बिट्रेशन के वो मैटर्स जो हाई कोर्ट के पास जाने थे, हाई कोर्ट के पास क्यों जाने थे, क्योंकि नॉर्मल सिविल ज्यूरिसडिक्शन उनके पास है, तो आर्बिट्रेशन के वो मामले जो हाई कोर्ट के पास जाने थे, अब वो हाई कोर्ट के पास ना जाके किसके पास जाएंगे, कमर्शियल डिविजन ऑफ हाई कोर्ट, क्योंकि हमने कमर्शियल मामलों के लिए सेपरेट एक कॉन्स्टिट्यूट कर दिया है डिविजन। तो अब जो हाई कोर्ट का जो नॉर्मल बेंच है वो नहीं सुनेंगे ऐसे मामले, कौन सुनेगा, हाई कोर्ट का कमर्शियल डिविजन, जहां वो कमर्शियल डिविजन होगा वो कमर्शियल डिविजन ही सुनेगा आर्बिट्रेशन वाली चीजों को भी। और जहां पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाना था आर्बिट्रेशन की कोई चीज लेके, आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट्स के पास जाना था, अब आप किसके पास जाएंगे, कमर्शियल कोर्ट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कमर्शियल कोर्ट बना दिए गए हैं, अब आप उन ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट के पास नहीं जाएंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल की, अब आप किसके पास जाएंगे, कमर्शियल कोर्ट के पास जाएंगे। दैट्स व्हाट इट सेज। ठीक, देखिए, वेयर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एन आर्बिट्रेशन इज अ कमर्शियल डिस्प्यूट, आर्बिट्रेशन का जो मामला है वो क्या है, एक कमर्शियल डिस्प्यूट है स्पेसिफाइड वैल्यू का, ऐसे में क्या होगा, इफ सच आर्बिट्रेशन इज एन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, अगर इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन था, ऑल एप्लीकेशंस और अपील्स अराइजिंग आउट ऑफ सच आर्बिट्रेशन अंडर द प्रोविजन ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट दैट हैव बीन फाइल्ड इन हाई कोर्ट। इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के वो मामले जो हाई कोर्ट के पास जाने थे, अब वो कहां जाएंगे, शैल बी हर्ड एंड डिस्पोज ऑफ बाय द कमर्शियल डिविजन वेयर सच कमर्शियल डिविजन हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड। तो जिन स्टेट में हाई कोर्ट का कमर्शियल डिविजन है, और ये किन हाई कोर्ट्स के साथ है, मात्र 5 जिनके पास ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन था वहां है ये, बाकी पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो जहां वो कमर्शियल डिविजन है हाई कोर्ट का, वहां ये मामला किसके पास जाएगा, कमर्शियल डिविजन के पास रादर देन अदर। ठीक, इसके बाद देखिए सबसेक्शन 2, वो भी हाई कोर्ट के बारे में ही बात कर रहा है। इफ सच आर्बिट्रेशन इज अदर देन एन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल कमर्शियल सॉरी इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के अलावा भी कोई मामला है जो हाई कोर्ट के पास जाना था, ऑल एप्लीकेशंस और अपील अराइजिंग आउट ऑफ सच आर्बिट्रेशन अंडर द प्रोविजन ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट That have been filed on the original side of the High Court. High Court के पास ही जाना था original jurisdiction के तहत, shall be heard and disposed of by the commercial division where such commercial division has been constituted. तो उस केस में भी अब किसके पास जाएगा, कमर्शियल डिविजन के पास जाएगा। इसके बाद देखिए थर्ड, इफ सच आर्बिट्रेशन इज अदर देन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, और वो जाना किसके पास था, दैट वुड ऑर्डिनरी लाई बिफोर एनी प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन एट डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के प्रिंसिपल सिविल कोर्ट के पास अगर जाना था तो अब वो मामला कहां जाएगा, तो इधर लिखा है शैल बी फाइल्ड एंड हर्ड एंड डिस्पोज ऑफ बाय द कमर्शियल कोर्ट, क्योंकि अब अपन ने डिस्ट्रिक्ट में भी कमर्शियल मैटर्स को सुनने के लिए कमर्शियल कोर्ट बिठा दिए हैं, तो जो नॉर्मल प्रिंसिपल सिविल कोर्ट के पास मामला जाना था आर्बिट्रेशन के बाद, वो अब किधर जाएगा, कमर्शियल
कोर्ट के पास जाएगा। तो सेक्शन 10 बेसिकली रिलेशन बताता है कमर्शियल कोर्ट और आर्बिट्रेशन के बीच का। आई होप दैट इज क्लियर। ठीक, इसके बाद देखिए 11, बहुत सिंपल साधारण सा प्रोविजन। 11 बात करता है बार ऑफ ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ कमर्शियल कोर्ट्स एंड कमर्शियल डिवीजन। कमर्शियल कोर्ट और कमर्शियल डिवीजन जो है हाई कोर्ट का, वो कौन से मामले नहीं सुन सकते? तो भाई वो मामले जो किसी भी सिविल कोर्ट से बार्ड हैं। आपने सीपीसी में इम्प्लाइड और एक्सप्रेस बार पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो सीपीसी के भी वीडियोस इसी प्लेलिस्ट में है, एक बार उनको देख लीजिए। कि अगर एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली कहीं कोई सिविल मामला बार्ड है, अगर वो कमर्शियल नेचर का है, तो ये भी उसे एंटरटेन नहीं करेंगे। कौन? कमर्शियल कोर्ट और कमर्शियल डिवीजन भी उसे एंटरटेन नहीं करेंगे। यहां क्लियरली लिखा है, डिस्प्यूट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सिविल कोर्ट इज ईदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बींग इन फोर्स। किसी भी लॉ से एक पर्टिकुलर सिविल मैटर जो कि कमर्शियल नेचर का है, अगर बार किया गया है कि इसको कोई इसकी सुनवाई नहीं होगी या इसे नहीं सुना जाएगा, तो ऐसे केस में कमर्शियल कोर्ट और कमर्शियल डिवीजन भी उसे नहीं सुन सकते। ठीक, जैसे आप देखते हैं मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन को रोकने के लिए आप देखते हैं सीपीसी में कई जगह प्रोविजन है, रेस जुडिकेटा का प्रोविजन है ना, ऑर्डर टू रूल टू है कि मल्टीप्लिसिटी ना हो, तो वहां एक्सप्रेसली बार किया गया है कि इस मैटर को आप दोबारा नहीं सुनेंगे। सेम अप्लाइज टू दीज कोर्ट्स एज वेल, दैट्स व्हाट इट सेज। चंचला का कोई डाउट है? मेरे ख्याल इसी से रिलेटेड है। विल सेक्शन 10 मैटर बी दोज जो सीएसी? हम बिल्कुल, ये बेटा वही बात कर रहे हैं कि कहीं पे भी अगर कोई मामला सीपीसी में बाहर है, सिविल कोर्ट अगर उस मैटर को बाहर करता है, बस इतना डिफरेंस है कि वो कमर्शियल का नेचर का हो गया है, इसलिए अब ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट नहीं सुन के उसको कमर्शियल कोर्ट या कमर्शियल डिवीजन सुन रहे हैं। इन पे वो सारे प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे जो सीपीसी में किसी कोर्ट को बार करते हैं, चाहे आप सेक्शन 10 उठा लीजिए या कोई और उठा लीजिए, सारे वो मैटर इस पे भी एप्लीकेबल होंगे। दैट्स व्हाट 11 सेज। आई होप दैट इज क्लियर। तो ये बात हो गई आपके कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन की। अब अपन आते हैं भाई साहब चैप्टर 3 पे। बहुत ही आसान चैप्टर है, स्पेसिफाइड वैल्यू। हमने देखा कई जगह, हमने ये चीज अभी अथॉरिटीज और कोर्ट्स की अथॉरिटीज के लिए भी हमने ये देखा कि भाई एक पिक्यूनरी लिमिट सेट होगी, है ना। डिस्ट्रिक्ट जज लेवल का जो कमर्शियल कोर्ट है वो कौन से मामले सुनेगा, डिस्ट्रिक्ट जज लेवल से नीचे का है तो वो थोड़े कम पिक्यूनरी लिमिट के मामले सुनेगा। डिवीजन कमर्शियल डिवीजन है हाई कोर्ट का जो होता है, वो कितने रुपए के मामले सुन सकता है, तो उनकी लिमिट तो स्पेसिफाई होगी स्टेट वाइज, लेकिन डिस्प्यूट की हम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्पेसिफाइड वैल्यू उसको कहते हैं कि आपका डिस्प्यूट कितने रुपए का है, वो कैसे कैलकुलेट होगा। बहुत सिंपल तरीके से इस बात को यहां बताया गया है और चैप्टर 3 में। तो सेक्शन 12 देखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफाइड वैल्यू। देखिए, अगर आपका जो मैटर है, वेयर द रिलीफ सॉट इन अ सूट एप्लीकेशन इज फॉर रिकवरी ऑफ मनी, पैसे रिकवर करने का सूट है, तो जितनी मनी रिकवर करनी है वो इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था ना कि मैंने आपको 5 लाख रुपए दिए, अब मैंने आपको 5 लाख रुपए अगर दिए हैं तो ऑब्वियसली कुछ इंटरेस्ट भी उस पर मेरा बन रहा होगा। तो जिस दिन ये एप्लीकेशन फाइल हो रही है उस दिन तक का जितना इंटरेस्ट हो रहा है उसको सबको हम स्पेसिफाइड वैल्यू में कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए इंटरेस्ट बनना है 80,000, तो अब मेरा डिस्प्यूट की स्पेसिफाइड वैल्यू क्या हो गई? 5 लाख जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट था और 80,000 जो इंटरेस्ट, 5 लाख 80,000 मेरे डिस्प्यूट की स्पेसिफाइड वैल्यू ऐसे केस में बन जाएगी। फिर देखिए बी, वेयर द रिलीफ सॉट इन अ सूट अपील और एप्लीकेशन रिलेट्स टू मूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आपका जो डिस्प्यूट है वो मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो उस मूवेबल प्रॉपर्टी की जो मार्केट वैल्यू होगी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आप इंस्टीट्यूट कर रहे हैं, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मूवेबल प्रॉपर्टी की जो मार्केट वैल्यू होगी वो आपके डिस्प्यूट की स्पेसिफाइड वैल्यू हो जाएगी। सी में लिखा है अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी या उससे रिलेटेड किसी राइट का डिस्प्यूट है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो मार्केट वैल्यू है वो आपके डिस्प्यूट की स्पेसिफाइड वैल्यू हो जाएगी। इसके बाद डी में लिखा है अगर कोई और इंटेंजिबल राइट है जिसका फिजिकल फॉर्म नहीं होता, कोई और इंटेंजिबल राइट है, तो ऐसे केस में एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू जो प्लेंटिफ ने फाइल करी। भाई प्लेंटिफ एक कैलकुलेट, जैसे मान लीजिए इंटेंजिबल में वो सब आ जाएगा जैसे आईपी वगैरह के जो मैटर्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वगैरह के, तो प्लेंटिफ जो
मेंशन करेगा मार्केट वैल्यू, वो आपके डिस्प्यूट की वैल्यू यहां पे मान ली जाएगी। और ये वैल्यू अपन क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमको ये देखना है कि कौन से वाले कमर्शियल कोर्ट के पास हमको जाना है अपना मामला लेके, क्योंकि उनकी पिक्यूनरी लिमिट डिसाइडेड है। इसके बाद एक सबसेक्शन 3 इसका देख लीजिए, नो अपील और सिविल रिविजन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 115 ऑफ दी सीपीसी एज द केस मे बी शैल लाई फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ अ कमर्शियल डिविजन और कमर्शियल कोर्ट फाइंडिंग दैट इट हैज ज्यूरिसडिक्शन टू हेयर। ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड कि अगर कमर्शियल कोर्ट ने, कमर्शियल डिविजन ने ये डिसाइड कर लिया है कि हाँ भैया हमारे पास ज्यूरिसडिक्शन है। आपने सीपीसी में देखा होगा कि ऑब्जेक्शन फाइल हो सकता है ज्यूरिसडिक्शन के रिगार्डिंग कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में, और वहां तो मैंडेटरी क्यों होना चाहिए कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में। तो वहां जब ऑब्जेक्शन रेज होता है, अगर मान लीजिए कोर्ट ये डिसाइड करता है कि नहीं हमारे पास ज्यूरिसडिक्शन है सुनने का और हम सुनेंगे, ऐसे केस में रिविजन की एप्लीकेशन या अपील लाए नहीं करेगी। सीपीसी में कुछ भी लिखाओ वो यहां एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर कमर्शियल कोर्ट ने या कमर्शियल डिविजन ने कह दिया कि हमारे पास है ज्यूरिसडिक्शन, तो उसको आप चैलेंज नहीं करेंगे। पर्पस क्या था पूरा इस एक्ट का? सिंप्लीफाई और स्पीडी करना, फटाफट। अब क्या होता है, वही ऑब्जेक्शन रेज हो गया, ऑब्जेक्शन मान लीजिए रिजेक्ट कर दिया कोर्ट ने, अपोजिट पार्टी डिफेंडेंट पहुंच जाएगा अपील लेके, वहां रिविजन लेके, तो वो मामला अलग ही, अब ज्यूरिसडिक्शन पे ही बात होने लगी। बात थी डिस्प्यूट की, पैसे के मैटर की, अब बात ही चल रही है ज्यूरिसडिक्शन पे। ऐसे ही तो डिले होते हैं मामले। उन सबको रेक्टिफाई करने का ही पर्पज है इस एक्ट का, ठीक। इसके बाद देखिए चैप्टर 3A, प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन एंड सेटलमेंट। जैसा मैंने आपको अभी कंटेंट पढ़ते समय ही बताया था कि भाई यहाँ पे एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट डाली गई है कि आपको कमर्शियल कोर्ट के पास ले जाने से पहले मामला मीडिएशन में लेके जाना जरूरी है। तो उससे रिलेटेड यहां पे दिया है, सूट विच डज नॉट कंटेम्पलेट एनी अर्जेंट इंटरिम रिलीफ। देखिए आपके सूट में अगर कोई अर्जेंट इंटरिम रिलीफ है, अर्जेंट इंटरिम रिलीफ है, तो आप सीधे कमर्शियल कोर्ट के पास चले जाइए। इंटरिम रिलीफ क्या होते हैं? फॉर एन एग्जाम्पल इंजंक्शन। मान लीजिए मेरे को, आप तो मेरा सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय करने वाले हैं, तो भैया मैं मीडिएशन में जाके क्या करूंगा? तब तक तो आप सब मिटा दोगे। इसीलिए ऐसे केसेस को एक्सक्लूड किया है, ऐसे केसेस के लिए मीडिएशन की प्री कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी उस केसेस में जो अर्जेंट इंटरिम रिलीफ मांग रहे हैं। ऐसे केस में क्या होगा, आप सीधे कोर्ट मूव कर सकते हैं विदाउट मीडिएशन। लेकिन अगर ऐसे मैटर, आपका मैटर ऐसा है जिसमें कोई अर्जेंट इंटरिम रिलीफ नहीं है, ऐसे केस में आपको क्या करना होगा, शैल नॉट बी इंस्टीट्यूटेड अनलेस द प्लेंटिफ एग्जॉस्ट दी रेमेडी ऑफ प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन। जब तक अपनी इस रेमेडी को आप एग्जॉस्ट नहीं करते, आप कमर्शियल कोर्ट के पास मामला लेके नहीं जाएंगे, ठीक। और इससे रिलेटेड रूल सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। इसके बाद देखिए सबसेक्शन 3 भी इंपॉर्टेंट है, जो भी नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट, वो भी यहां एप्लीकेबल नहीं होगा। The authority authorized by the central government under subsection 2 shall complete the process of mediation within a period of 3 months. जो भी अथॉरिटी बनाई गई है मीडिएशन करने के लिए, उस पे भी एक ऑब्लिगेशन है। अब भाई देखिए, क्योंकि हमने एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट इस सेक्शन में रख दी है कि अपना मामला कमर्शियल कोर्ट में इंस्टीट्यूट करने के पहले आपको प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन करना पड़ेगा, तो पता चला वहीं टाइम वेस्ट हो रहा है, तो फिर ये पूरा एक्ट बनाने का और स्पेशल कोर्ट्स बनाने का मतलब ही नहीं निकलेगा। इसलिए उसको भी टाइम बाउंड कर दिया गया है, 3 महीने के अंदर निपटाना भाई आपको मीडिएशन का प्रोसेस, 3 महीने के अंदर निपटाना है। अगर 3 महीने में नहीं हो पा रहा है तो फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है विद द कंसेंट ऑफ द पार्टी 2 महीने के लिए, और बस मैक्सिमम 5 महीने, उसके ऊपर नहीं, फिर आप चले जाइए कमर्शियल कोर्ट के पास। क्योंकि पूरा पर्पज ये है कि जल्दी निराकरण हो कमर्शियल डिस्प्यूट्स का। इसके बाद आइए चैप्टर 4, दैट इज अपील। कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है अगर वो चार्ट देख लिया है, तो कहां जाएगी अपील वो लिखा है और वही चार्ट के माध्यम से आपको ऑलरेडी कन्वे हो गया है। देखिए, अपील्स फ्रॉम डिक्रीज ऑफ कमर्शियल कोर्ट एंड कमर्शियल डिविजन, कमर्शियल कोर्ट की अपील और कमर्शियल डिविजन की। यहां लिखा है एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ अ कमर्शियल कोर्ट बिलो द लेवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल से नीचे। ये किस केस में आएगा? ऐसे स्टेट्स जहां हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, उनके लिए हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी एक एपेलेट अथॉरिटी क्रिएट करी थी सेक्शन 3A में, ये उन्हीं की बात कर रहा है।
तो ऐसे कमर्शियल कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के नीचे के हैं, उनकी अपील कहां जाएगी? कमर्शियल एपेलेट कोर्ट के पास जाएगी विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज, 60 दिन याद रखना भैया, 60 दिन के अंदर, और जाएगी कहां? कमर्शियल एपेलेट कोर्ट के पास। बनिए देखिए इसके बाद, एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ अ कमर्शियल कोर्ट एट द लेवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज एक्सरसाइजिंग ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन, डिस्ट्रिक्ट जज अगर ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज कर रहा है, दोनों केसेस में एप्लीकेबल होगा ये, ठीक? एज द केस में बी कमर्शियल डिविजन ऑफ हाई कोर्ट, या तो कमर्शियल डिविजन ऑफ हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट जज लेवल का कमर्शियल कोर्ट जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज कर रहा है, इनकी अपील हमेशा हाई कोर्ट के एपेलेट डिविजन के पास जाएगी, जो लिखा है मे अप्लाई टू द कमर्शियल एपेलेट डिविजन ऑफ द हाई कोर्ट विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज। अब मेरे ख्याल से आपको वो पूरा चार्ट क्लियर हो गया होगा, कहां से आया, अलग अलग तरीके से अपन ने सारे प्रोविजन देख लिए, अब वो जो चार्ट है आपको क्लियर हो गया होगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल के नीचे के जो कमर्शियल कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के नीचे के कमर्शियल कोर्ट, उनकी अपील के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाएगी अथॉरिटी, ठीक, कमर्शियल एपेलेट कोर्ट बोलते हैं जिन्हें। और डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट जज लेवल पे अगर ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज हुआ है तो उसकी अपील, और या हाई कोर्ट के लेवल पे अगर ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज हुआ है उसकी अपील हमेशा जाएगी कमर्शियल एपेलेट डिविजन हाई कोर्ट के पास, ठीक? दैट्स अबाउट अपील। इसके अलावा सेक्शन 14 बात करता है एक्सपीडियस डिस्पोजल, तो यहां लिखा है कि हर संभव प्रयास द कमर्शियल एपेलेट कोर्ट एंड द कमर्शियल एपेलेट डिविजन, दोनों, चाहे वो कमर्शियल एपेलेट कोर्ट हो या एपेलेट डिविजन हो, शैल एंडेवर टू डिस्पोज ऑफ अपील, हर संभव प्रयास करना है, शैल एंडेवर टू डिस्पोज ऑफ अपील फाइल्ड बिफोर इट विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 6 महीने के अंदर अपील भी डिस्पोज ऑफ करने का प्रयास करना है एपेलेट अथॉरिटीज को। इसके बाद आ जाइए चैप्टर 5, जैसा मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये, पेंडिंग केसेस को ट्रांसफर करने की बात कर रहा है, एक आध सबसेक्शन पढ़ लीजिए, यू विल अंडरस्टैंड। ऑल सूट्स एंड एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग एप्लीकेशंस अंडर द आर्बिट्रेशन कंसीलिएशन एक्ट रिलेटिंग टू अ कमर्शियल डिस्प्यूट ऑफ अ स्पेसिफाइड वैल्यू पेंडिंग इन अ हाई कोर्ट वेयर अ कमर्शियल डिविजन हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड, अगर वो ऐसे हाई कोर्ट में पेंडिंग है जहां कमर्शियल डिविजन बना दिया गया है हाई कोर्ट का, शैल बी ट्रांसफर टू द कमर्शियल डिविजन, तो उस मामले को कमर्शियल डिविजन को दे दिया जाएगा। सेम अप्लाइज टू ऑल अदर लेवल एज वेल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, क्योंकि कमर्शियल कोर्ट बन गए हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, अगर कोई कमर्शियल मैटर पेंडिंग था तो अब उसको मैंडेटरी ट्रांसफर कर दिया जाएगा कमर्शियल कोर्ट के पास, क्योंकि इसका पर्पज ही यही है, बस एक बार रीड कर लेना, कुछ नहीं है इसमें। आ जाइए नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 6, अमेंडमेंट टू द प्रोविजंस ऑफ सीपीसी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए इसके रिगार्डिंग डिटेलिंग तो आपको शेड्यूल में मिलेगी कि किस प्रावधान में क्या चेंज किया गया, सीपीसी के किस प्रावधान में क्या मॉडिफिकेशन करके यहां पे वो एप्लीकेबल होगा, इस एक्ट के लिए सीपीसी के किस प्रोविजन में क्या अमेंडमेंट होगा, इसकी लिस्ट जो है वो आपको शेड्यूल में मिलती है। यहां सेक्शन 16 कहता है द प्रोविजंस ऑफ द कोड ऑफ सीपीसी इन देयर एप्लीकेशन टू एनी सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कमर्शियल डिस्प्यूट ऑफ अ स्पेसिफाइड वैल्यू स्टैंड अमेंडेड इन द मैनर एज स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल, जैसा शेड्यूल में दिया हुआ है उस हिसाब से अमेंड करके एप्लीकेबल होगा ये कहां पे, आपके कमर्शियल कोर्ट्स के ऊपर, ठीक? एक चंचला का डाउट और है, फिर आगे बढ़ते हैं। सर देयर इज नो टाइम पीरियड फॉर अपील फ्रॉम कमर्शियल अपेलेट कोर्ट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल टू कमर्शियल, बेटा कमर्शियल अपेलेट कोर्ट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल से कमर्शियल अपेलेट डिविजन के पास अपील जाने का अपील में प्रावधान नहीं है, जो अपन ने अपील का पूरा सेक्शन पढ़ा उसमें आपने देखा कि अपेलेट डिविजन के पास जो अपील जाती है वो अपील कहां से जा रही है, अपनी डिस्ट्रिक्ट लेवल से जा रही है, ठीक है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन जब एक्सरसाइज हुआ है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वहां से जा रही है। एक बार रिवर्स करके वीडियो देखना, पीडीएफ या बेरेट में पढ़ना, जो एपेलेट डिविजन के पास जो अपील जा रही है वो कहां से जा रही है, डिस्ट्रिक्ट जज लेवल से ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज हुआ है वहां। सो दैट इज अबाउट 16। इसके बाद देखिए आप अगला चैप्टर, दैट इज मिसलेनियस, और इस मिसलेनियस में बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन नहीं है, बेसिक बातें हैं, कलेक्शन एंड डिस्क्लोजर ऑफ डेटा बाय कमर्शियल कोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू डायरेक्शन, हाई कोर्ट डायरेक्शन इशू करेगा इंप्लीमेंटेशन के लिए चीजों के, इंफ्रा फैकल्टी सॉरी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी स्टेट गवर्नमेंट को देनी है, ये जो कमर्शियल कोर्ट बनाए जाएंगे आप भली भांति इस बात को जानते हैं
कोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीपीसी में भी किसी भी सिविल कोर्ट की इंफ्रास्ट्रक्चर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी किसके पास होती है, वो आपकी होती है स्टेट गवर्नमेंट के पास, सेम एज यहाँ। इसके बाद ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा इस एक्ट का, कई जगह अपन ने लिखा है नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग रिटन इन सीपीसी, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग रिटन इन आर्बिट्रेशन, इसका मतलब ओवरराइडिंग इंपैक्ट है, उसी बात को मैनिफेस्ट कर दिया गया है एक प्रावधान में। बाकी रूल मेकिंग पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, डिफिकल्टी रिमूव करने का पावर भी उन्हीं के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, रिपील्स एंड सेविंग्स दी हुई है, एंड दैट्स हाउ द एक्ट कम्स टू एन एंड। ठीक, सो आई होप दिस इज क्लियर। रेखा का कहना है पर सर जो रेस 19 स्टेट है उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल से अपील पर थिंग आईडी, नहीं बेटा वहां बताया तो है जहां ऐसे स्टेट जहां कमर्शियल, ऐसे स्टेट जहां पे हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, उन्हीं की बात कर रहे हो ना, 20 स्टेट्स, 19 नहीं 20, तो उन स्टेट्स के केस में अपील जो है वो आपके एपेलेट डिवीजन के पास ही जाएगी जो हाई कोर्ट का होता है। ठीक है, एक बार अपील का प्रोविजन फिर से देख लीजिए भाई, कुछ एक तो मेरे ख्याल आप लोगों के जहन में कुछ कंफ्यूजन्स हैं, एक बार जरा अपील का प्रावधान अपन फिर देख लेते हैं, कोई समस्या नहीं है, कोई जल्दी में अपन नहीं है। ठीक है, ये देखिए अपील फ्रॉम डिक्रीज ऑफ कमर्शियल कोर्ट कमर्शियल डिवीजन, अपील से रिलेटेड एक ही, ये दो ही प्रावधान है इस एक्ट में और कुछ नहीं है, तो इसको एक बार फिर पढ़ लीजिए। यहाँ क्या लिखा है, एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ अ कमर्शियल कोर्ट बिलो द लेवल ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट जज मे अपील टू द कमर्शियल अपेलेट कोर्ट। ठीक, डिस्ट्रिक्ट जज के नीचे का अगर कोई कमर्शियल कोर्ट है तो उसकी अपील कहां जाएगी, कमर्शियल एपेलेट कोर्ट विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ जजमेंट और ऑर्डर, दैट्स इट। फिर लिखा है एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ अ कमर्शियल कोर्ट एट द लेवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, और आगे क्या लिखा है, एक्सरसाइजिंग ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन और एज द केस मे बी कमर्शियल डिविजन ऑफ अ हाई कोर्ट, कमर्शियल डिविजन ऑफ अ हाई कोर्ट मे अपील टू दी कमर्शियल एपेलेट डिविजन। तो आपके जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के जो कोर्ट्स हैं, ये वाले हर डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के कोर्ट की अपील किधर जाएगी, कमर्शियल एपेलेट। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं और एज द केस में भी, किसी भी केस में डिस्ट्रिक्ट जज लेवल पे जो पावर एक्सरसाइज हुआ है, डिस्ट्रिक्ट जज लेवल पे अगर कमर्शियल कोर्ट ने कोई ऑर्डर या डिक्री पास करी है, उसकी अपील किधर जाएगी, कमर्शियल एपेलेट डिविजन ऑफ द हाई कोर्ट विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज, 60 दिन के अंदर। सो कमर्शियल डिविजन हाई कोर्ट का हो या डिस्ट्रिक्ट जज लेवल पे कोर्ट जो कॉन्स्टिट्यूट हुए हैं, उनकी अपील कहां जाएगी आपकी, उनकी अपील जाएगी हमेशा कमर्शियल एपेलेट डिवीजन के पास, और डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के नीचे के जो कमर्शियल कोर्ट हैं उनकी अपील जाती है कमर्शियल एपेलेट कोर्ट के पास विद इन 60 डेज। और यहां जो जो मेरे ख्याल से 60 डेज का एक डाउट था वो इसके लिए, कमर्शियल एपेलेट डिवीजन के पास जब भी जाना है अपील, दोनों केसेस में कमर्शियल एपेलेट डिवीजन के पास, उसके लिए 60 दिन ही है, 60 डेज ही है। वही एक मेरे ख्याल से कुछ डाउट था कि वो 60 एक के लिए टाइम नहीं दिया है क्या, कि डिस्ट्रिक्ट जज लेवल से जो अपील जानी है आपके कमर्शियल एपेलेट कोर्ट के पास, तो उसके बेटा यही अप्लीकेबल है उस पे भी, 60 डेज सेम। चलिए भाई, तो इस तरीके से आपका ये एक्ट हो गया है कंप्लीट, और ये पीडीएफ जो है ये आपको अवेलेबल हो जाएगी टेलीग्राम चैनल से। इसके बाद जो अपन बात करेंगे वो बात करेंगे आर्बिट्रेशन की संडे को, ठीक, तो उसका लाइव भी शेड्यूल्ड है और बाकी सारे प्रीमियर्स भी चल रहे हैं, जो अदर सब्जेक्ट्स हैं डीजेएस और एमपी के दोनों के लिए वीडियोस चल रहे हैं, जो कॉमन सब्जेक्ट हैं जो एडिशनल हैं वो भी हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट लाइव लिया जाएगा, टीपीए लाइव लिया जाएगा एमपी के पहले, कॉन्ट्रैक्ट डीजेएस के पहले ही करा दिया जाएगा, कारण यह है कि डीजेएस में भी कॉमन है। ठीक, तो शेड्यूल आप लोगों के पास है ही, नहीं है तो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आर्बिट्रेशन के, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।